तेरे सहारे, ये जीवन है श्याम तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे। चिराग है Krishna Govinda, Govinda, 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 Krishna Govinda, Govinda,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हरे 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 कृष्ण गोविंद कृष्णा तो मुखम पवित्रम यदि राम नाम। अब कथा से पहले जो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है उसे कहते हैं जी मंगलाचरण। सर्वप्रथम श्लोकों के माध्यम से परमात्मा को बुलाना यही मंगलाचरण है, क्योंकि ऋषि परंपरा से मंगलाचरण पहले से चला आ रहा है। और अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का सहारा, इसलिए संकीर्तन किया जाता है छोटा सा। तो भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम द्वितीय सत्र की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वृंदावन बांके बिहारी लाल जो साक्षात रूप में इस भागवत के मध्य में विद्यमान है, उनको कोटि कोटि वंदन। विघ्नों को हरने वाले देवताओं को कोटि कोटि वंदन। 33 कोटि देवता इस यज्ञ मंडप में आवाहित किए गए हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। और हमारे इस यज्ञ के आचार्य श्री चेतन शर्मा जी और हमारे मुख्य यजमान जी के कुल पुरोहित श्री देवचंद शर्मा जी और श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी और उपवाचक के रूप में हमारा सहयोग कर रहे श्री वीनू शर्मा जी और संगीतज्ञ भाई बंधु हमारे श्री जगदीश शर्मा जी, श्री ईशु शर्मा जी और पाचक महोदय और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग श्रोतागण और यज्ञ को करवाने वाले हमारे मुख्य यजमान बड़े या श्री विपिन शर्मा जी, विपिन राणा जी, इनकी जिन्होंने अपनी पूजनीय माता श्रीमती कौशल्या देवी से इतना बड़ा यज्ञ अपने पिता स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी की पुण्य स्मृति में करवा रहे हैं। तो पिछले कल तो नाम का थोड़ा गड़बड़ था, नाम थोड़ा गलत लिख दिया था, बड़े भैया का नाम किशन चंद्र परंतु इनका नाम विपिन और छोटे भैया श्री करमचंद राणा जी इनका नाम श्री वीरेंद्र और इनकी पांच बहनें। अब सबका नाम लेने लगूंगा तो समय आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए पिछले कल सबका परिचय दे दिया था। पांच बहनें, पूरा परिवार, पूरा गांव, सब परिवार, सब कुटुंब, सब ग्रामवासी, जितने भी श्रोतागण यहाँ आए हैं। तो भागवत महापुराण के अंतर्गत द्वितीय सत्र की कथा, इसमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भागवत की कथा कैसी है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थाणि वसन्ति अत्र यत्र च्युतोदादि कथा प्रसंग। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च। जहां भागवत की कथा होती है ना, वहां क्या होता है जी, गंगा यमुना त्रिवेणी संगम। एक गंगा है हरिद्वार में,
वहां स्नान करने के लिए जाना होगा तो क्या होगा, शरीर भी ठीक चाहिए, पैसा भी चाहिए, परंतु भागवत रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए ये गंगा स्वरूप आपके गांव में बह रही है। शास्त्र क्या कहते हैं कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी का संगम यहां आपके ग्राम में मोहड़धार में गंगा साक्षात रूप में आई है। और गोदावरी सिंधु सरस्वती, सारे तीर्थ कहां है जी, जहां भागवत की कथा होती है वहां पे सारे तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि जहां पे यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग, जहां पे भगवान अच्युत की कथा का प्रसंग होता है ना, वहां पे सारे तीर्थ विद्यमान होते हैं। तो जिनके निमित्त ये यज्ञ हो रहा है, परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको वैकुंठ पद की प्राप्ति हो, क्योंकि मैंने पिछले कल भी कहा था कि पुत्र के तीन कर्तव्य हैं जो हमारे मुख्य यजमान जी दोनों भाई एक साथ खड़े होकर के कर रहे हैं कि जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा करना, ये पहला कर्तव्य है जी पुत्र का। और दूसरा कर्तव्य क्या, मरने के बाद उनके निमित्त यज्ञ इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि, भागवत इत्यादि करवाना, यह है पुत्र का दूसरा कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य क्या है, गया में जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करना, यह पुत्र के तीन कर्म शास्त्रों ने बताए हैं। तो पिछले कल की कथा का विश्राम महात्म्य की कथा में किया था जी, तो महात्म्य की कथा पिछले कल भी बताया था कि भागवत की महिमा क्या है। यहां तक ऐसा भी हुआ बड़े बड़े पापी तर गए, धुंधुकारी जो महा पापी था वो प्रेत योनि को पाकर भी भागवत की कथा से मुक्त हो गया। तो भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है जो पापियों को भी तार दे, इतनी शक्ति है जी भागवत में। अब पिछले कल की कथा महात्म्य की कथा, और आज हम भागवत जी के पहले स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। और पहला स्कंद, कितने स्कंद है जी भागवत में, पिछले कल जो आए थे उन्हें पता है कितने स्कंद हैं जी, 12 और 335 अध्याय। अब भागवत के प्रथम स्कंद में पहला श्लोक व्यास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, गणेश जी से लिखवाया और व्यास जी ने बड़ा सुंदर इसकी रचना की। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिं निदां यथा विनिमयो यो यत्र ति सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस पावन कथा को सुना रहे थे। अब पहले श्लोक में किसकी वंदना कीजिए, सत्य की वंदना भागवत के पहले श्लोक में की गई। अब भागवत की जब रचना हुई, व्यास जी ने रचना की, अब मैया लक्ष्मी के मन में एक बात आई कि अरे और तो बातें सारी ठीक है, परंतु मेरा नाम तो इस भागवत में आया है। अब व्यास जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, व्याकरण की दृष्टि से मां लक्ष्मी से कहने लगे कि व्याकरण में अगर देखा जाए तो एक अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, और व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, ये अर्थ भी होता है। लक्ष्मी मैया आपका भी नाम इसमें आ रहा है, और लक्ष्मी मैया को संतुष्टि नहीं हुई। तो व्यास जी ने क्या किया, भागवत के पीछे क्या लगा दिया जी, श्री,
जो श्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप श्री भागवत महापुराण की जय। क्या बन गया? श्रीमद भागवत। तो श्री लगाने से तब लग गया श्री, जब मैया लक्ष्मी का स्वरूप वह श्री है। अब भागवत में स्तुति की गई, इसकी पहले श्लोक में ही सत्य की स्तुति की गई। बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जन्मांत्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, यह विश्व पालित होता है, इसका संहार होता है, ये सारी परमात्मा की ही रचना है। और अंत में बचता क्या है जी? सत्य ही बचता है। चाहे कुछ भी हो, कहते भी है ना कि धर्म की बेल सदा हरी रहती है, तो सत्य हमेशा ही रहता है। हमेशा से सत्य की ही विजय होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण सत्य समाना, ये रामचरित की मानस की चौपाई। अब इतने बड़े श्लोक का अगर अर्थ करने लगेंगे तो यहां तक होता है एक श्लोक का अर्थ करने में ही एक घंटा आधा घंटा व्यतीत हो जाता है, इतना विस्तार है भागवत में। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। परंतु रामचरित मानस की चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शास्त्र यही कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य का। और इसी तरह से असत्याग परा अधर्म, असत्य के बराबर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। और इसी तरह से दूसरे श्लोक में भी धर्म की स्तुति की गई है कि धर्म क्या है। धर्म प्रोचित वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। अब तीन प्रकार के ताप सबको लगे हैं जी। पिछले कल की कथा में भी सुना था, तीन ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप। सभी इन तीन तापों से विलिप्त हैं, वैसे ही तीन ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब आपने देखा होगा जब भी आरती होती है तो उसके बाद तीन बार बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? ओम शांति ही। अब तीन बार ही क्यों बोलते हैं? चार बार भी तो बोल सकते थे ना, बोल सकते थे कि नहीं? तो तीन प्रकार के तापों से हमें शांति मिले, इसलिए कहते हैं ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। कि तीनों प्रकार के ताप हमें लगे हैं ना, इन तीनों प्रकार के तापों से हमें परमात्मा आप ही शांति करवा सकते हैं। तो भागवत की इतनी बड़ी महिमा। और भागवत ताप त्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाला है ये भागवत महापुराण। और भागवत का प्राकट्य आपने पिछले कल की कथा में भी सुना कि नारायण भगवान ने स्वयं एव ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया था, और ब्रह्मा जी ने नारद को यह ज्ञान दिया।
और नारद जी ने व्यास ऋषि को यह सारा ज्ञान दिया था और चार मंत्र दिए थे। उन चार मंत्रों से व्यास जी ने 18,000 मंत्र या श्लोक तैयार कर लिए। तो सारी कृपा किसकी थी? परम पिता परमेश्वर की ही वो कृपा थी। और बड़ा सुंदर वो स्थान नैमिषारण्य, सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। और शौनक जी ने बड़ी सुंदर प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप व्यास जी के शिष्य हो, आपको कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो नियम क्या था जी? जब भी कथा शुरू होती थी ना, तो क्या होता था? सबसे पहले कौन आते हैं जी कथा सुनने के लिए? कौन आते हैं? वक्ता आते हैं, कथावाचक पहले आता है कि श्रोता जी? नियम क्या है? पहले श्रोताओं को पहुंचना चाहिए, उसके बाद कथा वक्ता व्यासपीठ में विराजमान हो। नियम तो यही कहता है। और कथा का समय हमने रखा है 12 बजे से, तो जो गांव वाले हैं वो तो अवश्य ही पहुंचने का प्रयास करें। ठीक 11:50 पे पहुंचे ही पहुंचे, क्योंकि 12 बजे से ठीक कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। तो सूत जी महाराज जब उस नैमिषारण्य में आसन के ऊपर विद्यमान होने के लिए आए थे, सारे शौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े हो गए थे, तब से परंपरा बन गई ये सम्मान व्यास का नहीं, जो कथावाचक है उसका सम्मान नहीं कि कोई आप बैठे हैं और कथावाचक आया खड़े हो जाए। सम्मान किसका है? इस गुरु की गद्दी का है, व्यास गद्दी का सम्मान है। तो ये कुछ एक नियम। तो सूत जी महाराज जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे कि हे गुरुवर, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आप करोड़ों सूर्य के समान है, आपको कोटि कोटि वंदन है। हम भागवत की कथा आपसे सुनना चाहते हैं, जो सारे शास्त्रों का सार है। भागवत को क्या कहते हैं जी? पंचम वेद भी कहते हैं, पांचवा वेद। अब सूत जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति मंगलाचरण में होने की, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि सर्वभूत हृदय मुनिमान को। बड़ी सुंदर स्तुति सूत जी ने की। क्या स्तुति की? कि जन्म लेते ही इन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसे सुखदेव मुनि। और जो बिल्कुल दिगंबर थे, व्यास ऋषि अपने पुत्र को पुकारने लगे कि रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, क्योंकि व्यास ऋषि की पत्नी का नाम था द्रिदाची। और सुखदेव मुनि 12 साल तक गर्भ में ही रहे थे, वो अयोनिज है, परंतु लीला दिखाई भगवान ने। सुखदेव मुनि साक्षात रूप में भगवान के अवतार थे। तो व्यास जी ने पुत्र पुत्र कह के पुकारा कि रुक जाओ सुखदेव, रुक जाओ, परंतु वो कहने लगे कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता? ये संसार ऐसा ही है, आना जाना सबका लगा है जी, ये संसार ऐसा ही बना है। तो बारंबार स्तुति की और शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी महाराज जी से पूछे थे। पहला प्रश्न क्या था जी? कि हे गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि मानव के लिए सबसे परम धर्म क्या है। अब सूत जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दिया कि सबसे बड़ा धर्म है अपने धर्म में अडिग रहना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही रक्षा करता है। क्योंकि होता क्या है जी, हम अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में भटकेंगे, फिर क्या होगा, गति अच्छी नहीं होगी। सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाना और सनातन धर्म में अडिग बने रहना।
और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं जी, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ सभी तीन बार भोजन तो सभी करते हैं और भोजन के साथ साथ भजन भी करते हैं कि नहीं करते जी? करते हैं, करना चाहिए। जो सनातनी है उन्हें तो करना ही चाहिए। किस तरह से कि तीन बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम राधे श्याम। तीन बार भोजन और भजन एक बार, भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम राधे श्याम। मन मेरा चाहे मैं गंगा नहाऊं, मन मेरा चाहे गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते झंझट हजार। वृंदावन भंग के बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। थोड़ा जयकारा जोर से लगा दिया करें, क्योंकि कान्हा जी तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए। और क्या करना है जी, जहां भी सत्संग में जाएं, बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करते हुए कथा का श्रवण करना है। वार्तालाप बिल्कुल भी बीच में ना हो, क्योंकि वार्तालाप करने से क्या होता है। अब अभी पहुंचे हैं ना बोबो, तू कब आई बोबो? तो लेट हो गई ना। चलो कोई बात नहीं, कल से जल्दी आना है। क्या करना, बिल्कुल गप्पे कथा के बाद। अगर शुरू में ही गप्पे मारना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक तो आए तो थे पुण्य कमाने, उल्टा हो गया पाप। क्योंकि कथा में जो विघ्न डालता है वो अवश्य ही नरक का गामी होता है, शास्त्र ये कहते हैं। इसलिए क्या करें, गप्पे बिल्कुल एक नियम बना करके आना है कि 3 घंटे का समय उस परमात्मा के लिए ही है, केवल उस परम पिता परमेश्वर के लिए हमने कथा का श्रवण करना है। मैंने पहले ही कहा कि कथा तो जगह जगह हो रही है, फिर भी हमारा मन क्या चाहे कि बार बार अरे इस कथा को सुनना है। सुनने से क्या होगा, हमारे मन के अंदर जो पाप हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर हम बिल्कुल निष्पाप हो जाएंगे, जीवन की राह हमें प्राप्त होगी। तो कर्म जब भी करें, मंदिर में पूजा करने जाते हैं सभी, क्या करते हैं, धूप जला लिया, जय हो भगवान, जय हो दुर्गा माता, तू ही कल्याण करने वाली है ना। वो जो पड़ोसन है ना, उसने आज क्या किया, 2 पुल्ले मेरे ज्यादा निकाल लिए, कर उसका भगवती कुछ। यहाँ तक होता है, मंदिर में जाते हैं धूप जलाएंगे, माता बड़ा भारी दुख है, बहुत बड़ा दुख है, तू ही कष्टों का निवारण करने वाली है। अब 10 रुपए चढ़ा करके हम लाखों का काम करवाना चाहते हैं, करते हैं ऐसा कि नहीं कि माता इतने तक्षण तेरे को चढ़ा रहे हैं, ऐसा कार्य कर देगी तो हम ऐसा कर देंगे। अब माता रानी थोड़ी भूखी है कि वो वहां पे, अब कलयुगी मनुष्य क्या करता है जी, सौदा, जहां देखो व्यापार की दृष्टि से देखता है। ये कलयुग मनुष्य की आदत है,
जहां भी देखना व्यापार की दृष्टि से देखना, तो जब भी मंदिर में जाएं क्या हो मांगना किसे है, केवल उस भगवान को मांगना है कि हे प्रभु भूले से भी आपका नाम हमारे मुख से ना हटे, चाहे हजारों दुख कष्ट हजारों संकट हमारे जीवन में आ जाए फिर भी आपका नाम हम ना भूलें। इतना सुंदर शरीर है परमपिता परमेश्वर आपने हमें दिया है ना, इस शरीर को पाकर के हम कभी आपका गुणगान ना भूलें, कभी आपका नाम ना भूले, यही प्रार्थना है। तो मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, निष्काम भक्ति करना, परंतु कलयुग में यह संभव नहीं है। कलयुग ने इस तरह से प्रभाव डाला है, सब व्यापारिक दृष्टि वाले हो गए हैं, भगवान को चढ़ाएंगे कुछ तो उसके बदले में पूरी लिस्ट बना करके जाएंगे, भगवान ये भी कर देना, भगवान वो भी कर देना, परंतु मिलेगा क्या जी, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा जो जस करही ता फल चाखा, जो जैसा करता है कर्म हमारा अधिकार है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, क्या करना है गीता में भी ये लिखा गया है कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है, अच्छा करे या बुरा, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभा अशुभम। तो क्या करना है जी, मंदिर में जब भी जाएं भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें 84 लाख योनियों में 83,99,999 कितने जी 83,99,999 योनियों के बाद मिली मनुष्य की योनि। तो परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, अगर कीड़ा मकोड़ा बना दिया होता तो क्या हम करते, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य का ये चोला मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है, क्या करना है परमात्मा का ध्यान करना है, परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी कि प्रभु तूने सब कुछ दिया है। और दूसरा प्रश्न शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, कौन है जी सबसे श्रेष्ठ देवता, सबसे महान देवता कौन है, दुर्गा माता, चामुंडा माता या अग्नि पाताल जी, कौन है जी सबसे बड़ा, सब एक ही हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एक साथे सब सधे सब साधे सब जाए, एक साथे सब सधे सब सधे सब जाए सब साधे सब जाए। हम क्या करते हैं, कलयुगी मनुष्य की बुद्धि किस तरह से है, क्या होता है, एक बार एक कलयुगी मनुष्य भी था जी, उसने क्या किया, अब मित्रता थी ना, अब दृष्टांत के माध्यम से बात सिद्ध होगी कि कलयुगी मनुष्य किस तरह से है, विश्वास सबसे बड़ा है। उस कलयुगी मनुष्य ने क्या किया, अपने मित्र से कह डाला कि मित्र बड़ा ही दुखी चल रहा है, व्यापार में बड़ा घाटा है, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, कुछ ऐसा करो ना, क्या करो अपना कुछ ऐसा विचार डालो कि जिससे लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए। बोले मित्र क्या करना है तुम्हें, तो एक काम करना, मैंने सुना है कि लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से अवश्य ही लक्ष्मी मैया की कृपा होती है, जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी को आना पड़ता है,
तो लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति लेकर के आजा। और मूर्ति लेकर के जब आया मित्र की सलाह मानी, और जैसे ही मूर्ति घर में रखी धूप जलाना शुरू कर दिया जी। जैसे हम भी करते हैं महाराज, बड़ा भारी धूप जलाते हैं, परंतु धूप की स्थिति भी आजकल खराब है। धूप की स्थिति किस तरह से खराब है, धूप क्या कर रहा है? अन्य जो आपने देखा होगा भोजन की सामग्री है ना, उसमें क्या होता है, एक ऐसी संस्था है जो ये चेक करती है, ये परीक्षण करती है कि भोजन खाने योग्य है या नहीं। परंतु देवताओं के लिए जो घी है ना, उसको कोई देख नहीं रहा है कि घी कैसा है, शुद्ध है अशुद्ध है, धूप शुद्ध है या अशुद्ध है। पैसा कमाने के लिए कली भी मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ तक हो रहा है महाराज टायर के जो रबड़ है ना, वो भी धूप में डाले जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, खूब धूप जलाते हैं महाराज, धूप जलाना भगवान को। अब धूप जलाते थे, गंधर्व देवता है धूप, धूप जलाने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर भागती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है धूप जलाने से, सुगंधितमय वातावरण हो जाते हैं। परंतु आजकल तो महाराज अगर थोड़ा सा धूप भी आप जला करके रख लेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद गला पकड़ लेगा। मान लीजिए आप प्रातः काल पूजा करने के लिए बैठे हो ना, आपने विचार करना, जब आपने धूप नहीं जलाया था मन बिल्कुल लग रहा था, आंखें बंद करके ओम का ही उच्चारण कर रहे थे, मन लग रहा था। परंतु जैसे ही आजकल का जो धूप चला है उसे जलाना शुरू किया, क्या हुआ, उच्चाटन हो गया, मन भटक गया, तो धूप की में भी अशुद्धता आ रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिलावट इतनी इस तरह से फैल रही है, जो जो शुद्ध चीजें हैं वो मिलना धीरे धीरे कम हो जाएंगी। यहां तक गौमूत्र, अब ऐसा नहीं कहता कि जर्सी वो गाय नहीं, वो भी चलो गाय है, गाय का स्वरूप है, स्वरूप को प्रणाम है, परंतु गौ माता हमारी दर दर की ठोकरें खा रही है। एक समय ऐसा आएगा ना जी, गौमूत्र कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा जी, संसारी की दुकान में, और वो भी ये बात गारंटी से नहीं कह सकते कि गाय का ही गौमूत्र होगा, वो तो घोड़े का मूत्र भी बेच सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पैसे के लिए कली भी मनुष्य कुछ भी कर सकता है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पुराण क्या कहते हैं कि भगवान का अगर पूजन करना हो तो सबसे पहले विश्वास। अब उस कलयुगी मनुष्य ने क्या किया था जी, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को लेकर के आ गया था। अब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को लग गया धूप जलाने, लक्ष्मी नारायण व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तुम कुछ करो प्रभु, तुम तो लक्ष्मी के पति हो, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाओ ना, कुछ कारोबार चला दो। अब एक महीना हो गया जी धूप जलाते जलाते कलयुगी उस मनुष्य को, परंतु स्थिति वैसी की वैसी, व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब कलयुगी मनुष्य का मन हट गया जी, लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं करते, क्या किया, मन हटा करके उस मूर्ति को अपने घर में एक सेल्फ थी ना, सेल्फ उसके ऊपर रख दिया मूर्ति को, कि बस प्रभु बतेरा हो गया, बड़ा हो गया आपका। मित्र के पास चला गया, बोले अरे तेरा टोटका काम नहीं आया, लक्ष्मी नारायण अभी कृपा नहीं कर रहे हैं। मित्र ने भी क्या किया, अरे मैंने सुना है ना कि माँ जगत जननी भवानी माँ दुर्गा मैया की मूर्ति लेकर के तो पूजेगा ना, तो माता रानी तो अवश्य ही कृपा करेंगी। अब कलयुगी मनुष्य था, फिर से विचार किया कि अवश्य ही हो सकता है, मैंने सुना है लक्ष्मी की कृपा, अगर माँ भगवती जगत जननी कृपा कर दे तो अवश्य ही लक्ष्मी आ जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। अब लक्ष्मी मैया के लिए प्रार्थना करने लगा, धूप जला लिया, फिर से वैसा है जी, धूप जला करके हे दुर्गा माता तू तो कृपा करने वाली है, कुछ कृपा कर। परंतु एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, 10 दिन बीत गए, स्थिति वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ा व्यापार में।
फिर से मन मन उठ गया, अरे कुछ नहीं है, दुर्गा माता भी कुछ नहीं करती, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के साथ दुर्गा माता की मूर्ति को भी रख दिया कि ले माता तू भी कृपा नहीं करती। अब मित्र से पुनः मिलना हुआ, दोबारा मिलना हुआ, मित्र से कह दिया मित्र दुर्गा माता ने भी कोई कृपा नहीं की, अब क्या करूं। बोले अच्छा दुर्गा माता ने भी कृपा नहीं की, तू ऐसा करना भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर के आ जा। भोले बाबा तो भोले हैं, इतने भोले हैं कि भगत के ऊपर अगर प्रसन्न हो जाएं तो आंखें मूंद करके वरदान दे देते हैं भोले बाबा। यहाँ तक क्या हुआ था, भस्मासुर को वरदान दे दिया था, रावण को वरदान दे दिया था, कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, तो वो तो भोले हैं। मित्र की बात सुन करके कलयुग में उस मित्र ने क्या किया, भोले बाबा की मूर्ति लेकर के आ गया। अब मूर्ति लेकर के जैसे ही आया, अब जो स्थिति बन रही थी, जो पैसा था ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब भोले बाबा वो तो भोले हैं, अखंड समाधि में लगे रहते हैं और मुख से राम ओम राम राम का गुणगान करते रहते हैं, हर वक्त राम राम करते हैं, ऐसे हैं भोले बाबा। अखंड समाधि में बैठे रहते हैं, भोले बाबा ने कृपा नहीं की, जो धन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कलयुगी मनुष्य ने क्या किया, शिव जी की जो मूर्ति लाया था उसे भी रख दिया। अब फिर से सबसे पहले जी विश्वास अडिग नहीं था, क्या हुआ तीन मूर्तियां इकट्ठी हो गई। अब मित्र से पुनः मिलना हुआ, बोले ऐसा करना, अब एक हिल अंतिम उपाय बता रहा हूं, गणपति को ले। गणपति रिद्धि सिद्धि धन धान्य के दाता है। अब लग गया महाराज गणपति का पूजन करने, छोटी सी मूर्ति ले आया, अब धूप जलाने लगा महाराज। गणपति जी की कृपा हुई, एक दो दिन धूप जलाया। अब धूप क्या हुआ, घूम घूम के धूप जा रहा, कहां जहां भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई थी, भोले बाबा की मूर्ति नाक में वो धुआं जा रहा था ऐसे घूम घूम के। अब गली के मनुष्य ने कहा कि अच्छा भोले तेरे को एक महीना मनाया ना बाबा, आप तो माने नहीं, अब आपके बेटे को धूप जला रहा हूं, सारा धूप आप ले रहे हो, ठहरो व्यवस्था करता हूं। क्या किया, गोबर लिया जी, गोबर लेकर के भोले बाबा की नाक में गोबर लगा दिया कि ले भोले बाबा अब सूंघ धूप। क्या किया, जैसे ही गोमय का स्पर्श हुआ भोले प्रसन्न हो गए, बोले शिव शंकर महादेव की। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा कि अरे भगत मांग क्या चाहता है। बोले अरे मैंने धूप जलाया था गणपति को, प्रकट आप हो गए। बोले ऐसा है ना भगत, तुझे पहले विश्वास नहीं था कि मैं इस मूर्ति में हूँ। क्या था जी, तुझे विश्वास नहीं था कि मैं इस मूर्ति में हूँ, अब तुझे विश्वास हो गया कि मैं इस मूर्ति में हूँ, क्योंकि तूने क्या किया, मेरा नाक बंद कर दिया कि धूप ले, धूप सिंघना बंद कर दे भोले बाबा, तो अब तुझे विश्वास हुआ ना, तो सबसे बड़ा है विश्वास। अगर आप एक को मानते हैं, मान लीजिए आप दुर्गा मैया को मानते हैं, तो दुर्गा मैया चराचर जगत में व्याप्त है, वही शक्ति है, वही कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति भी वही है, वही काली है, वही कृष्ण है, वही राम है, सब एक ही है, क्योंकि भगवान के नाम अनेक हैं, परंतु क्या है, वो है एक ही। आगे सृष्टि का वर्णन आएगा, सृष्टि में बताया जाएगा कि प्रभु एक ही हैं, तो हमें क्या चाहिए, आज क्या करना, जय हो अग्निपताल तेरी कृपा महाराज, कर कुछ महीना भर धूप जलाया और कोई फायदा नहीं है, फिर क्या किया, दुर्गा माता को मनाने लग गया। इसी तरह से उस कलयुगी भक्त की तरह हमारा मन भी भटका है, हम क्या कर रहे हैं, आज किसी और को मना रहे हैं, कल किसी और को, फिर क्या हो रहा है, अंत में आ रहे हैं क्रिश्चियन, महाराज लो 50,000 आ जाओ हमारे, बन जाओ क्रिश्चियन। इससे क्या हो रहा है, सनातन धर्म को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने धर्म को हम छोड़ रहे हैं, कारण क्या, अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास किसके ऊपर है, अन्य धर्म के ऊपर। तो सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, सबसे पहले है विश्वास,
श्रद्धा और विश्वास होगा तभी परमात्मा कृपा करेंगे, नहीं तो मन हमेशा भटकता ही रहेगा, कभी यहाँ कभी वहां, दर दर की ठोकरें खाएंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिप्यन्ति ततस्कंध भुजो पशाखाः। क्या होता है, जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिप्यन्ति ततस्कंध भुजो पशाखाः। क्या होता है जी, जिस प्रकार से हम वृक्ष है ना, वृक्ष को सींच रहे हैं, जैसे उसकी जड़ के ऊपर हम पानी डाल रहे हैं और वृक्ष के ऊपर हरे पत्ते भी लगे हैं, उस वृक्ष के ऊपर ही फूल आते हैं, फल भी आते हैं और सैकड़ों डालियां उस वृक्ष के ऊपर होती है। तो सबसे पहले है जड़। तो जड़ कौन है, वह परमात्मा है, एक से अनेक हो गए हैं। हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। वृंदावन बांके बिहारी लाल। तो हर देश में, हर वेश में वही है, हम इधर उधर कहीं भी भटक लें, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है जी, सब गाने का प्रयास करेंगे तभी गाऊंगा, नहीं तो अकेले गाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी ये जानते थे ऐसा युग आएगा संस्कृत को समझने वाले बड़े थोड़े होंगे, चौपाइयां उन्होंने बनाई थी ना बड़ी सुंदर। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बोलो सिया राम जय जय राम, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सभी गाएंगे थोड़ा जोर लगा के, आप लोग गाएंगे थोड़ा जोर लगा के, हमारे पंडित जी नहीं गाएंगे, आप गाएंगे थोड़ा, क्या गाएंगे? जय श्री राम, 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 जय श्री रा
की। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा नहीं है। सर्वत्र मतलब हर जगह है प्रभु, जहां भी आप चले जाएंगे ना, हर एक व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। एक वृक्ष में भी वो परमात्मा है, एक जड़ में भी वो परमात्मा है, चेतन में भी वो परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। परंतु देखने के लिए क्या चाहिए जी? दृष्टि। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी देखने की शक्ति होती है ना, वैसी ही हमें सृष्टि दिखती है। तो आज से क्या करना है जी? पूजा किसकी करनी है? जो अपना जो इष्ट है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक के ऊपर पूर्ण विश्वास बना लो कि यही है तारने वाला, यही है मारने वाला। वो दुर्गा मैया हो या अग्नि पाताल हो या चामुंडा मैया हो, सब एक ही है। अब सूत जी महाराज जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे कि हे गुरुदेव, भगवान का नाम तो अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? बड़ा सुंदर प्रश्न शौनक ऋषि ने अपने गुरुदेव से पूछा कि मैंने सुना है कि नाम तो अजन्मा है, प्रभु अजन्मा है, फिर उन्होंने जन्म कैसे लिया? अब बड़ा सुंदर वर्णन किया कि हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, प्रभु का जन्म नहीं होता है। प्रभु क्या करते हैं जी? अवतार लेते हैं। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, एक अंश अवतार है, एक पूर्ण अवतार है। तो पूर्ण अवतार भगवान के दो ही हैं, राम और कृष्ण। और जो अवतार प्रभु ने लिए थे वो अंश अवतार कहलाए थे। तो शास्त्र परिक्षेप में देखें तो भगवान के मुख्य अवतार 24 हैं। अब 24 अवतारों का चिंतन सूत जी करने लगे, कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार हुआ, जो पिछले कल आपने कथा सुनी थी, चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार है भगवान का। और दूसरा अवतार हुआ वाराह अवतार। ये वाराह भगवान की। अब जो तीसरा अवतार कहलाया नारद, जिसे हम कहते हैं जी बड़ा भर नारद है। परंतु नारद क्या है? ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसे नारद मिले हों उसे परमात्मा ना मिले। नारद क्या है? नारम ज्ञानम ददात इति नारदः। जो परमात्मा से मिलने का मार्ग बतलाए, ज्ञान बतलाए, वह है नारद। अब गांव में भी कहते हैं बड़ा बड़ा नारद मुनि है, यहाँ की आग वहां लगाता है। परंतु हमने क्या किया है? नारद मुनि का जो चरित्र है ना, उसके ऊपर उंगली उठाना है। नारद परमात्मा से मिलना बताते थे, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। तो नारद भगवान की। और चौथा अवतार हुआ नर और नारायण, ये चौथा अवतार हुआ, जो बद्री विशाल नर और नारायण के रूप में प्रभु हैं। और पांचवा अवतार हुआ कपिल मुनि का, जिन्होंने सांख्य योग की रचना की, बोले कपिल महाराज की। और छठा अवतार दत्तात्रेय महाराज हुए। और सातवां अवतार यज्ञ, जो हम यज्ञ कर रहे हैं ना जी, ये भी एक अवतार है। आगे आप कथा में सुनेंगे कि रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे और विवाह हुआ था दक्षिणा से। तो ये यज्ञ नारायण का स्वरूप है, इसलिए कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की। और अष्टम अवतार ऋषभ देव का हुआ और नवम अवतार पृथु, दसम अवतार मत्स्य का हुआ और ग्यारहवां अवतार भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया था। और बारहवां अवतार धनवंतरी और मोहिनी, तेरहवां अवतार और श्री नृसिंह के रूप में भगवान ने, चौदहवां अवतार लिया वामन भगवान, परशुराम जी, और ये जो जिन्होंने भागवत की रचना की ना, एक वेद था पहले, एक के चार भाग कर दिए व्यास जी, ये भी भगवान का ही अवतार हुए। बोले वेद व्यास भगवान के।
तो व्यास जी ऐसे हैं ना, अष्ट चिरंजीवियों में उनका स्थान है, आज भी वो जीवित हैं व्यास जी, क्योंकि हनुमान जी आपने सुना होगा अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सत्यैते चिरंजीविनः अष्टमे कुमारकण्डय मुनयः स्मृताः। आठ जो ये चिरंजीवी है ना, ये चिरंजीवी हैं जो आज भी विद्यमान है। आगे कथा में सुनेंगे आप अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की कथा भी आएगी, अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, तो व्यास जी भी जीवित हैं। और प्रभु श्री राम का 18वां अवतार, बलराम जी का शेष अवतार जो 19वां अवतार हुआ, कन्हैया का अवतार 20वां अवतार, हरि अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, और अंत में कल्की अवतार, ये 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज सुनाने लगे हैं। और राम और कृष्ण ये है पूर्ण अवतार। बोले रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तो राम और कृष्ण कौन है जी, दोनों एक ही हैं। वो जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम। जग में सुंदर है दोनों, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम कहो या राम, ये दोनों एक ही हैं। और इस तरह से सूत जी महाराज जी ने 24 अवतार बतलाए और कहा कि राम जी ने जो जीवन में किया ना, वह जो अनुभव किया, जो भी उन्होंने किया, उस चरित्र को हम सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? माता पिता की सेवा करना, माता पिता के एक वचन के लिए राजपाट तक को त्याग दिया था, ऐसे राम प्रभु भाई राम और लखन की तरह, जिस तरह से हमारे मुखी यजमान जी का प्रेम, भाइयों का प्रेम भी देखने को मिलता है, राम और लखन की तरह। अब मुझे तो कल से ही राम लखन की तरह ही दिख रहे हैं, दोनों एक साथ बिल्कुल खड़े हैं जी, और वैसा ही इनका सात्विक स्वभाव। जब हम पहली बार मिले ना इनसे, तो मैंने हमारे कुल पुरोहित श्री एकनाथ शर्मा जी से भी कहा कि बड़े ही सात्विक विचार वाले दोनों भाई हैं, तो राम जी की तरह जीवन होना चाहिए, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और कृष्ण भगवान उनके चरित्रों को तो कोटि कोटि वंदन है, जैसा कन्हैया ने किया वैसा कोई करने की सोच भी नहीं सकता, वो तो नाना प्रकार की लीला प्रभु ने की है। तो राम प्रभु का जो जीवन है उससे बड़ी सीख मिलती है। अब इसी तरह से सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, हमें क्या चाहिए, ये भागवत रूपी जो गंगा है इसमें गोते लगाने के लिए सर्वप्रथम एकाग्रचित होना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि सूत जी
सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, बोले गुरुदेव, ये जो व्यास ऋषि हुए इनकी वंश परंपरा कैसे चली? अब बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान नारायण, नारायण के आगे हुए ब्रह्मा, सृष्टि का विवरण है। नारायण के ब्रह्मा हुए, नाभि कमल से कमल निकला था, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के आगे हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के आगे हुए पराशर। बोलिए पराशर ऋषि की। और पराशर ऋषि के आगे हुए वेद व्यास, जो दो द्वीपों के मध्य में जिनका जन्म हुआ था, इसलिए कहलाए कृष्ण द्वीपायन। दो द्वीपों के मध्य में उनका जन्म हुआ था, बहुत लंबी कथा है, विस्तार है इसका। और पराशर ऋषि और सत्यवती कि ये पुत्र कहलाए व्यास ऋषि। और वरदान क्या था कि ये 18 पुराणों के रचयिता होंगे और वेद का ज्ञान इन्हें होगा। तो इसी तरह से व्यास जी के आगे चल करके सुखदेव ऋषि हुए, और सुखदेव जी ने जिन्होंने भागवत की इतना सुंदर विस्तार, भागवत की ये पावन कथा महाराज परीक्षित को सुनाई थी। अब एक बार सूजी महाराज कहने लगे कि व्यास ऋषि वृद्ध हो चुके थे, अब उन्होंने पुराणों की तो रचना कर ली, 17 पुराणों की रचना कर ली, मन में ये बात आए, फिर भी संतुष्टि नहीं थी, मन बड़ा असंतोषी था। और फिर भी क्या हुआ, कहने लगे कि मैं बड़ा असंतुष्ट हूं। व्यास जी असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि इतने ग्रंथ लिख डाले परंतु मनुष्य की बुद्धि वैसी की वैसी ही रही। अब करूं तो क्या करूं, इस संसार में दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, सभी क्या है जी, खाने पीने में ही लगे हैं, आनंद ले रहे हैं सभी। अब व्यास जी के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानी हुई कि क्या करूं, इतने ग्रंथ लिख डाले, इतने पुराण लिख डाले, परंतु मनुष्य फिर भी उसी चक्कर में पड़ा है, उसी मोहमाया में पड़ा है, तो करूं क्या। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि व्यास जी से मिले, कहा व्यास जी चिंता को छोड़ दीजिए, क्यों चिंतित हो आप ऐसा कीजिए ना, मुझे अपने पिता ब्रह्मा जी से कुछ श्लोक प्राप्त है, उन श्लोकों को मैं आपको दे दूंगा, आप भागवत की रचना कर देना। बोले अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। तो नारद और व्यास जी का आपस में संवाद होने लगा। नारद जी ने समझाया कि हे व्यास जी, आप ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर सकते, अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता दिया, कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, फिर क्या हुआ था। नारद जी जो नारायण नारायण करते हैं ना, परम प्रिय भक्त नारद जी, पिछले जन्म में वो दासी के पुत्र थे, और संतन के संग जब लग गई ना, क्या हुआ, अपनी माता के साथ संतों से मिलने जाते, और संत समागम हो जहां भी होता अवश्य ही नारद वहां पहुंचते सुनते, और अकस्मात एक दिन क्या हुआ, उनकी माता की मृत्यु हो गई, माता को सांप ने काट लिया था। अब नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए, माँ का बड़ा दुख हुआ कि माँ मुझे छोड़ के कहां चली गई, एक आंख से ठंडे आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले, और किस तरह से नारद मुनि कहने लगे कि माँ तुम मुझे छोड़ करके कहां चली गई, हे माँ अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, मन में ये विचार आया। तो इस तरह से सुखदेव मुनि व्यास जी के जो पुत्र थे, सुखदेव मुनि ने इतना सुंदर इस भागवत का गान किस तरह से किया, सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में सुनाने लगे कि नारद ने व्यास जी को प्रोत्साहन दिया कि आप भागवत की रचना करो जो पंचम वेद कहलाएगा, और मेरी माता का जब मैंने दाह संस्कार कर लिया, क्या किया मैंने, संतों का संग करते हुए एक ही मंत्र प्राप्त था,
श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब हुआ क्या, नारायण भगवान का ये मंत्र प्राप्त करके श्रीमन नारायण नारायण करके हुए संतों का संग मिला, और संतों के संग से क्या हुआ, मैंने पिछले कल भी कहा था कि सत्संग क्या है, सज्जना नाम संगह इति सत्संग, जहां सज्जन व्यक्तियों का संग होता है वही सत्संग है। इसलिए हमें क्या चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए। सज्जनों के संग करने से हमें क्या प्राप्त होगा जी, अच्छी अच्छी बातें प्राप्त होगी। बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरा अवश्य ही सीखेंगे। अपने पुत्रों को हमें क्या चाहिए, पुत्रियों को क्या चाहिए, अच्छे समाज का अगर सृजन करना है तो सत्संग का होना बहुत ही आवश्यक है। जहां भी कथा हो अपने बच्चों को अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चा आएगा ना तो कुछ ना कुछ तो सुनेगा ही, परंतु भले पंडित जी लाएं तो लाएं, हमारे बच्चे बैठने ही नहीं देते, शोर मचा देंगे कथा में। परंतु मैं कहता हूं अगर आप ले भी आएंगे ना तो बच्चे कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही सुनेंगे। परंतु आजकल एक बीमारी चल पड़ी है, दूरभाष यंत्र। दूरभाष यंत्र के माध्यम से क्या हो रहा है, बच्चे खाना भी नहीं खाते जी बिना फोन के, आजकल तो ऐसा चल पड़ा है। तो सत्संग का होना बहुत ही जरूरी है। सत्संग अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, संतान बिगड़ रही है, किस कारण से, दुर्जनों का संग करके। अपने बच्चों को अगर बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो अवश्य ही कृपा होगी। जैसे नारद के ऊपर कृपा हुई, माँ थी तो दासी परंतु सज्जनों का संग करती, जहां भी सत्संग होता अवश्य अपने पुत्र को ले जाया करती। तो सीखने को क्या मिला हमें, अपने बच्चों को कथा सत्संग में ले जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अवश्य ही कुछ एक बातें उनके समझ में भी आएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। अब नारद लगे परमात्मा का ध्यान करने, और ध्यान करते करते ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा नारद के ऊपर परमात्मा ने की। क्या किया, देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। क्या कहा, नारद मुनि कहने लगे कि हे व्यास जी, एक ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मैं निरंतर जाप करता रहा और ऐसी कृपा हुई। आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा ने स्वयं ही कहा कि बेटा नारद, सत्संग तो तुमने किया परंतु अभी तुम परिपक्व नहीं हो। क्या करो, खूब तप करो, खूब साधना करो, क्योंकि नारद बड़े ही तपस्वी थे। एकाग्र चित से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वो निरंतर जाप करने लगे, जिससे परमात्मा ने कृपा की और उन्हें एक वीणा प्रदान कर दी, देव दत्ता मिमां वीणां। उस वीणा से क्या स्वर निकलने लगा, नारायण नारायण। जब भी वीणा बजाते ना, नारायण नारायण की ध्वनि निरंतर वो गान करने लगे। और इस तरह से नारद मुनि ने व्यास से कहा कि एक दासी का पुत्र नारद भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन सकता है, तो व्यास जी क्या आप भागवत नहीं लिख सकते। तो महर्षि वेद व्यास जी ने उन श्लोकों को जब प्राप्त किया, उन श्लोकों से 18,000 श्लोक बना डाले, और अब विचार होने लगा कि अरे बना तो डाले परंतु इस ज्ञान को मैं दूं तो दूं किसको दूं। व्यास जी ने ये विचार किया, मन में एक ही बात आई कि अरे वो मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही चला गया था, संन्यास जिसने धारण कर लिया था, क्यों ना मैं अपने पुत्र को इस भागवत का ज्ञान, सारा ज्ञान दे दूं।
और अपने कुछ शिष्यों को कुछ एक श्लोक रटा दिए थे। व्यास जी ने कुछ एक श्लोक रटा दिए। अब सुखदेव मुनि तो महाज्ञानी थे। अब जैसे ही व्यास जी ने रटाए तो मंत्र क्या कहा, बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम सह कनक कपिशम वैजयंती च माला। क्या किया, एक आधे जो श्लोक है ना आधा श्लोक बता दिया। अब सुखदेव मुनि ने जैसे ही श्लोक सुना कि वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान की बांके बिहारी का सुंदर स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है। अब उस श्लोक को सुनकर के सुखदेव की समाधि टूटी और दौड़ करके शिष्य के पास गए। बोले अरे बड़ा सुंदर यह श्लोक है, कहां से प्राप्त हुआ? बोले तुम्हारे पिताजी व्यास ऋषि ने एक नहीं 18,000 श्लोक तैयार किए हैं। इन श्लोकों को अगर तुम सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो अपने पिता के पास जाओ। अब सुखदेव मुनि जैसे ही व्यास जी के पास गए, अब व्यास जी ने ये विचार किया कि अपने पुत्र को मैं इसका ज्ञान दूं, भागवत का ज्ञान दूं तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र को ज्ञान दे दिया। तो क्या किया महर्षि वेद व्यास ने, यही विचार किया कि इसका अधिकारी कौन है, जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता, क्योंकि काम और क्रोध ही हमारे जीवन के दो शत्रु हैं जी। काम और क्रोध, क्रोध जब आ जाता है ना तो आंखें फट जाया करती हैं। अब व्यास जी को इतना तो विश्वास था कि मेरा पुत्र इस काबिल है कि वो भागवत का काम कर सकता है, परंतु फिर भी परीक्षा के लिए राजा जनक के यहाँ भेजा गया। राजा जनक को संदेश व्यास जी ने दे दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा करना। अब जनक जी ने पहरेदारों से कह दिया, अरे द्वारपालों ऐसा करना ना, सुखदेव जी को अंदर नहीं आने देना, कहा कहना कि राजा अभी व्यस्त है। और सुखदेव मुनि को कड़ी धूप में द्वारपालों ने रोक करके रखा, कहा 5 दिन के बाद मिलेंगे जनक जी। तो 5 दिन तक खड़ी उस कड़ी धूप में जनक के पास सुखदेव मुनि खड़े रहे, परंतु फिर भी डस से मस नहीं हुए, जरा सा भी क्रोध उनके चेहरे पे नहीं दिखा। अब 5 दिनों के बाद जनक जी ने कहा कि अरे देखो जरा, जो द्वार पे खड़ा है क्या वो वही है या चला गया, क्रोधित है या जैसा आया था सौम्य स्वभाव वाला कि वैसा ही है। द्वारपाल दौड़ करके कहा गए, देखा कि अरे जैसा था वैसा ही है, तो क्रोध की तो परीक्षा हो गई। अब जनक जी ने अंदर बुलाया, एक कमरे में छोड़ दिया जहां पे स्त्री समाज था, स्त्रियां कुछ एक दासियां सेवा करने लगी, परंतु फिर भी काम को भी जीत लिया था। ऐसे सुखदेव मुनि की परीक्षा जब हुई, जनक जी ने बारंबार प्रणाम किया कि हे सुखदेव मुनि आपको कोटि कोटि वंदन है, मैं आपके पिता के कहने के ऊपर आपकी परीक्षा ले रहा था, आप भागवत के अधिकारी हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन तब व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव ऋषि को करवाया था, और इसी भागवत का साप्ताहिक यज्ञ सुखदेव ऋषि ने महाराज परीक्षित के लिए किया था। तो शौनक ऋषि के मन में बात आई कि गुरुदेव ये कौन परीक्षित है जिस परीक्षित के लिए सुखदेव मुनि ने भागवत की कथा की। अब परीक्षित का प्रसंग सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों ये बात है महाभारत के समय की। क्या हुआ, कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, युद्ध क्यों हुआ था जी, युद्ध होने का कारण क्या रहा, तरुणी प्रभुता के हैं शालकों बुद्धिदायक, जो साला था ना शकुनी शालकों बुद्धिदायक, उसकी सलाह जब चल पड़ी, पासा चल पड़ा, क्या हुआ, महाभारत का युद्ध पूरा तैयारी हो गई। और इस तरह से जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए थे,
कौरवों में केवल एक ही बचा था दुर्योधन। और भीमसेन ने क्या किया था, अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघाधार तोड़ डाली थी। एक एक पल दुर्योधन मौत के गिन रहा था। अब आप विचार कीजिए, इतना विशाल वो युद्ध हुआ था, अभी भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है, रक्त रंजित है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध, न जाने कितने सैनिक कटके मर गए। किस लिए जी, किस कारण से? सारी उस परमपिता परमेश्वर की ही लीला थी, क्योंकि यहां तक हुआ था। बर्बरीक को जब पूछा गया था कि हे बर्बरीक, तुम बतलाओ कि तुम्हें इस महाभारत के युद्ध में क्या दिखा, बोले एक ही बात, क्योंकि बर्बरीक का सिर काट करके क्या किया था जी, ऊंची जगह पे रख दिया था, क्योंकि बर्बरीक के पास जो बाण था ना, इतनी शक्ति थी बर्बरीक के पास कि एक ही बाण से सारा युद्ध समाप्त कर सकता था। उसने प्रण लिया था कि मैं क्या करूंगा, जहां से हार होगी उस तरफ से मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान बांके बिहारी ये जानते थे कि अगर बर्बरीक कहीं दुर्योधन के साथ कौरवों के साथ खड़ा हो गया तो जितना बड़ा मुश्किल है, जो हमारे खाटू श्याम देव कमरनाथ जी महाराज जी हैं ना, वही वो बर्बरीक कहलाए हैं, जिनका शीश आता है अभी भी छड़ी के रूप में आता है जी, शीश शीश दानी महाक्षत्रिय, इतने बड़ी हमारे मंडी के तो आराध्य देव हैं कमरनाथ, देव कमरनाथ महाराज जी। तो भगवान बांके बिहारी ने क्या किया था, एक ब्राह्मण का रूप बना करके बर्बरीक की परीक्षा ले ली थी, बर्बरीक को छल लिया था। क्या किया, बोले ये जो वृक्ष है ना बर्बरीक, इसके पत्ते, बोले तुम इतनी शक्तिशाली हो, इसके पत्ते जरा भेद के दिखाओ। क्या किया था, वो 6 पत्ते पांव के नीचे छुपा लिए थे ना भगवान ने, यहाँ तक वो पांव के नीचे और हाथ में जो पत्ते छुपाए थे, वो पत्ते भी तीर से बिंद गए थे, इतनी शक्ति थी बर्बरीक। तो बर्बरीक से जब शीश दानी महाक्षत्रिय कहा जाता है कि शीश के बड़े दानी, हमने क्या किया, शीश ही मांग लिया था भगवान ने, बर्बरीक ने अपना शीश दान कर लिया, इसलिए कहलाए शीश दानी महाक्षत्रिय। और बर्बरीक का जो सिर था ना, उस सिर को कुरुक्षेत्र में ऊंचे स्थान के ऊपर रखा था, और उसी स्थान से उसने सारा युद्ध देखा था। एक ही बात बतलाई कि मुझे क्या दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन और काली का खप्पर और कुछ नहीं, इतना महान वो युद्ध हुआ था। अब हुआ भी बहुत बुरा था, यहां तक भाई भाई आपस में कटके मर गए थे, वो कहलाया था धर्म युद्ध। अब भीमसेन ने दुर्योधन की जब जंघा तोड़ डाली, क्योंकि अंतिम योद्धा वो बचा था, अब कौरवों के गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा दुर्योधन को बड़ा मित्र मानते थे, अब अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे मित्र, तुम बड़े दुखी हो, दुर्योधन पीड़ा से कहरा रहा था, इतना कह रहा था कि क्या हुआ, आंखों में अश्रु धारा लिए अश्वत्थामा कहने लगा कि अरे मित्र, मित्र ही मित्र के काम आता है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मित्रता कैसी होनी चाहिए जी, जैसे दूध और पानी की, जो आप प्रतिदिन करवाते हैं कि नहीं, कुछ पानी कुछ दूध मिक्स करके बेचना शुरू, उससे क्या होगा, आगे आप कथा में भी सुनेंगे कि वो कमाई किस तरह की कमाई है। तो दूध और पानी की मित्रता, अगर आप चूल्हे के ऊपर दूध रखते हैं ना, सबसे पहले कौन बाहर आता है, उसमें जो पानी है ना वो बाहर आता है कि अरे मेरे मित्र को ना जला दे, जैसे ही दूध उबलता है पानी अग्नि को बुझा देता है कि मेरे मित्र को मत जला देना। तो दूध और पानी की तरह मित्रता होनी चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हारी जंघा को तोड़ दिया हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोले एक ही इच्छा, अब मरने की स्थिति के ऊपर पहुंचा दुर्योधन,
एक ही मन में विचार करने लगा कि मैं कैसे उन पांडवों का अहित करूं, कैसे करूं अहित। मन में बात ठान ली, क्या किया दुर्योधन ने कहा कि मैं उन पांच पांडवों में से अगर कोई एक भी मर जाए ना तो बड़ा आनंद हो जाएगा, तो मरते मरते भी क्या बुरी भावना। परंतु हुआ क्या, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे उन्हें भला कौन मार सकता था। क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे पांच पांडवों चलो, अब निद्रा अवस्था में पांच पांडव अपने खेमे में सोए थे, सोए सोए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया, बोले चलो यहां से। अब हुआ क्या, पांचों पांडवों के जो पुत्र थे बिल्कुल पांडवों के सदृश, बिल्कुल पांडवों के ही समान थे। अश्वत्थामा जैसे ही अंधेरे में गया उसने देखा कि अवश्य ये अंधेरे में उसे ये पता ना लगे कि पांडव है कि पांडवों के पुत्र। अश्वत्थामा ने क्या किया, सोए हुए उन पांच पुत्रों के सिर काट कर और सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया कि कहा अरे दुर्योधन तुम्हारे शत्रुओं के सिर मेरे पास है। जैसे ही दुर्योधन ने देखा अरे अश्वत्थामा बहुत बड़ा अपराध हो गया तुझसे, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इन बच्चों का क्या कसूर था, हमारे वंश में पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा, पांच पुत्र, अब पांच सिर देख करके दुर्योधन रोता चिल्लाता कि अरे बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। रोते रोते दुर्योधन के प्राण छूट गए। अब अश्वत्थामा के मन में ये बात थी कि अरे अब मैं तो बचूंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं मुझे, क्या किया, पांचों पांडव पांच पुत्र। जैसे ही द्रौपदी को इस बात का पता लगा, अब जिस माँ के पांच पांच बेटे नहीं, एक नहीं दो नहीं जी, पांच पांच बेटे एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी आप विचार कीजिए। अब अश्रुधारा लिए हुए द्रौपदी यही कहने लगी कि अरे किसने ये कर दिया, मेरे पांच पांच पुत्र, पांच पुत्रों को मार डाला, अरे इन बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, और दुष्ट अश्वत्थामा तुमने इन्हें क्यों मार दिया। क्योंकि कुछ सिपाहियों ने देख लिया कि अरे अश्वत्थामा यहाँ आए थे और अश्वत्थामा ने ही अवश्य ही इनको मारा है, बोले अरे दुष्ट तुमने ये क्या कर दिया। तो अर्जुन ने द्रौपदी का जब रुदन सुना तभी हाथ में धनुष बाण लेकर ये प्रतिज्ञा कर दी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र साध दिया। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए अर्जुन ने देखा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्या कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयं कर, त्वमेको दह्यमानानां पपवेगो वसी संस्रुते। क्या कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अरे कांटे से कांटे को निकालते हैं, हे अर्जुन हे पार्थ तुम भी ब्रह्मास्त्र साध दो। तो ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने साध दिया और ब्रह्मास्त्र से जब टकराया दोनों की शक्ति शांत हो गई। और इधर अर्जुन सीधे तोड़ करके गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके भरी सभा में लाए गए। और भरी सभा में आकर के अश्वत्थामा गर्दन नीचे किए हुए, सभी नर और नारी का समाज जितने भी लोग वहां पे इकट्ठे हुए कह रहे बहुत बुरा हुआ, द्रौपदी के पांच पांच पुत्रों को इसने मार डाला। और सभी ये कहने लगे कि अरे इसे भी मार डालो, खून के बदले खून, क्या करना इसे भी मार डालो। परंतु सब ये कहने लगे, दूसरी तरफ द्रौपदी रोते रोते कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नित्यराम गुरु,
मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। कि छोड़ दो हे स्वामी। अर्जुन से कहने लगी कि इसे छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है और जिस तरह से मैं दुखी हूं ना, मैं ये नहीं चाहती कि गुरु माता गौतमी भी दुखी हो। द्रोणाचार्य महाराज की विधवा, गुरु द्रोणाचार्य की विधवा विलाप, वो भी मेरी तरह विलाप करे, तो कितनी सुंदर भावना है थी जी मां द्रौपदी की। अगर आपके पुत्र को कोई मार डाले तो आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं जी उसे बिल्कुल। परंतु पांच पुत्रों को मारने के बाद भी क्या हुआ? कहने लगी द्रौपदी कि मुझे जो दुख हुआ ना, ये दुख मां गौतमी को ना हो। कहा कि छोड़ दो। अब अर्जुन ने कहा कि ये तो ममता की मूर्त है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब सब यही बात करने लगे, परंतु द्रौपदी बार बार कहने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ सब देखने लगे कि अब क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए। अब द्रौपदी के मन की जो बात थी क्या थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में। अब दया करना क्या है जी? तो दया करता है ना, मान लीजिए आपने किसी के ऊपर दया की, तो दया करने वाले को जो दया आपने किसी के ऊपर की वो आपको क्या करता है जी? दया का उल्टा कर लीजिए, क्या करता है जी? याद, हमेशा आपकी याद रखेगा कि अरे उसने मेरी दया की थी उस समय। दया आप जिसके ऊपर करेंगे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया करने वाला तो बहुत बड़ा होता है। हमारे भगवान विष्णु ने भी एक बार दया दिखाई थी किसे जी? भृगु ऋषि ने परीक्षा लेनी चाहिए थी, तीनों देवताओं के तीनों गुणों की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी को गालियां देना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले ठहर जा, श्राप दे दूंगा। तो क्या हुआ? भृगु ऋषि ने यह सिद्ध कर दिया कि अरे ये तो रजोगुणी है। क्या किया? वहां से भाग गए। और जैसे ही कैलाश पे परीक्षा लेने के लिए गए, भगवान भोलेनाथ को गालियां देना शुरू की। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा दिया और त्रिशूल उठा करके तोड़ने लगे, बोले अरे ये तो तमोगुणी है। अब बैकुंठ में गए, भृगु ऋषि ने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, सीधे ही छाती के ऊपर लात मार दी। भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लात मार दी। लक्ष्मी ने कहा कि अरे ब्राह्मण तेरे पास नहीं आऊंगी। अब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु है सतोगुणी, कहा ब्राह्मण देवता कहीं तुम्हारे पांव में चोट तो नहीं आई? मेरी छाती बड़ी कठोर है। अब मां लक्ष्मी ने जब ये कह दिया कि तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, बोले मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, जब मैं यज्ञ करूंगा तो दक्षिणा के रूप में माता रानी आपको आना ही पड़ेगा। बोली लक्ष्मी मैया की। तो दया करने वाले बड़े होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतता ही वधारण। अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई कोई हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब कलयुग में वैसे भी कहा जाता है कि ब्राह्मण कौन है जी? देवता कहते हैं ब्राह्मण देवता। क्यों कहते हैं? ब्राह्मण की जगह किसी और का पूजन भी हो सकता था, परंतु देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्या होता है? देवताओं के अधीन ये जगत है और मंत्रों के अधीन है देवता, और वे मंत्र किसके अधीन है? ऋषि परंपरा से ब्राह्मणों के अधीन है। अब ऐसा नहीं महाराज हम ब्राह्मण हैं तो हम अपनी स्तुति कर रहे हैं,
ऋषि परंपरा से बनाया हुआ ये श्लोक है। ब्राह्मणों को भू देवता भी कहा जाता है, और जैसी भावना से आप पूजन करेंगे वैसा ही आपको फल मिलता है, तो ब्राह्मण देवता कहलाए। अब चार जब वर्ण बने ना, सब एक दूसरे के अंग हैं। मनु महाराज की हम संतान है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्याम उं शूद्रो अजायत। तो जो चार वर्ण बने ब्राह्मण है, उस विराट पुरुष भगवान से ब्राह्मणस्य मुखमासीत, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। अब हमारे शरीर में भी चारों वर्ण है जी, कौन कौन? सिर हमारा ब्राह्मण है। अगर मैं अभी यहाँ से कुछ उठा करके यहाँ से मारूं ना जी ऐसे, तो सबसे पहले आप किसे बचाएंगे? सिर को, क्योंकि सिर है ब्राह्मण। और भुजाएं, ये क्षत्रिय है, ये रक्षा करने वाली है। किसकी? ब्राह्मण की रक्षा करने वाली भी है। और भुजाएं क्षत्रिय, और हमारा पेट है वैश्य, और पैर हैं शूद्र। शूद्र के बिना तो एक पग भी नहीं चल पाएंगे। चारों वर्ण व्यवस्था मनु महाराज ने कर्मों के अनुसार बनाई गई थी। जो बड़ा विद्वान था, बड़ा प्रकांड विद्वान था, वो ब्राह्मण कहलाया। जिसकी भुजाओं में बड़ा बल था, उसे क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। और जो व्यापार करना जानता था, उसे वैश्य बना दिया। और जो सेवा करना जानता था, उसे शूद्र बना दिया। इस तरह से मनु महाराज की व्यवस्था थी। तो ब्राह्मण देवता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इन्हें मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई अगर कोई होना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने बुरा किया हो, क्या किया हो, बच्चों को ही मार डाला, इस आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले अरे, भीमसेन ने कहा कन्हैया तुम्हारी तरह जज बन जाए ना, तो हो गया फैसला। अब अंत में एक निर्णय निकाला गया। क्या निर्णय निकाला गया? कि क्या किया जाए, अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया और यज्ञोपवीत निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म से एक मणि थी, उस जन्मजात मणि को निकाल दिया गया। अब जब जन्मजात मणि को निकाल दिया गया, क्या हुआ? अश्वत्थामा बड़ा ही दुखी हुआ, भरी सभा में उसकी बेइज्जती की गई। तो ब्राह्मण का अगर अपमान हमसे हो गया ना, तो समझो हत्या के समान है। तो कभी भी, चाहे ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी हो, अपने से कभी भी अपमान ना हो, ऐसी धारणा अपने मन में रखनी चाहिए। अब अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अश्वत्थामा को अपमानित करके देश निकाला दे दिया गया कि जाओ यहां से, निकाल दो इसको अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा के मन में जो ईर्ष्या थी ना, वो वैसी की वैसी ही रही। मन में एक ही बात आई कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार करने लगा कि अब कौन है। अब मन में ये विचार आया कि अरे, पांच पुत्र थे वो तो मार दिए, परंतु अभी एक और बच गया है। मैंने सुना है कि अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ में अवश्य ही शिशु है, क्यों ना मैं गर्भ में ही उसे मार डालूं। अब सब कुछ होने के बाद में क्या हुआ जी, जो ईर्ष्या थी वो खत्म नहीं हुई। मन में वही ईर्ष्या की भावना लिए, क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। अश्वत्थामा कहने लगे कि आज छोड़ूंगा नहीं। तो गर्भवती स्त्री उत्तरा, गर्भ में एक छोटा सा नन्हा सा शिशु, जैसे ही अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, बेचारी वो गर्भवती उत्तरा कहलाने लगी, चिल्लाने लगी कि अरे, मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। और किसे पुकारा जी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद् भयं पशे यत्र मृत्योः परस्परम्।
जिसे पुकारा पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। हे जगत पते, हे महायोगी पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु, अब आपकी ही शरण है। और उत्तरा ने कन्हैया को जिस तरह से पुकारा है, कन्हैया उत्तरा पुकारे हे श्याम प्यारे, उत्तरा पुकारे हे श्याम प्यारे, आजा कन्हैया मेरे ओ श्याम प्यारे, आजा कन्हैया मेरे ओ श्याम प्यारे, उत्तरा पुकारे ओ श्याम प्यारे, उत्तरा पुकारे ओ श्याम प्यारे, तेरा पुकारे आशा प्यारे। चढ़ा दे बिहारी, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतनी गर्भ में वेदना हो रही है, अब आप ही सहारे हो एक कन्हैया। तो प्रभु ने क्या किया, एक पुकार के ऊपर प्रभु आए, चतुर्भुज रूप में एक सूक्ष्म रूप धारण किया, गर्भ में जो कभी गए ही नहीं, जिनका नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। जो कभी गर्भ में गए ही नहीं, गर्भ का प्रभु केवल आभास ही करवाते हैं, कभी गए नहीं, परंतु आज भगत की रक्षा के लिए परमात्मा ने गर्भ तक में जाना स्वीकार कर लिया, एक सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में गए और एक रूप में परमात्मा बाहर से ढांढस बंधा रहे। कहा, पुत्री कोई बात नहीं, तुम्हारे गर्भ में जो वेदना हो रही है ना, अवश्य ही वो शांत हो जाएगी। क्या किया, गदा के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का पूरा निवारण कर डाला, गर्भ में रक्षा कर डाली। और क्या हुआ, भगवान बांके बिहारी सूक्ष्म रूप से बाहर आकर के कहने लगे कि अरे, बाहर से जो ढांढस बंधाया, कहने लगे कि अब कैसा लग रहा है उत्तरा? बोले, प्रभु अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, गर्भ में जो वेदना है ना, वो धीरे धीरे शांत हो रही है। हे प्रभु, अब
हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते। अब परमात्मा श्री बांके बिहारी के ऐसे उस लीला को देख करके पांडव और कुंती कहने लगे कि अरे कन्हैया आपके हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। और कुंती ने तो यहाँ तक कह डाला कि प्रभु आप साक्षात रूप में भगवान हैं। अब श्री कृष्ण को बड़ी हंसी आई कि अरे आज बुआ मुझे कन्हैया से क्या कह रही है भगवान। अरे पांडवों क्या मैं भगवान हूँ? अगर मैं भगवान हूँ तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, मुझसे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मांगो कुछ ना कुछ। तो क्या हुआ? अब सबसे बड़े युधिष्ठिर से कहा गया युधिष्ठिर आप मांगो। अब महात्मा युधिष्ठिर ने कहा हे प्रभु आज देने वाले होना तुम कुछ ना कुछ, तो एक ही वरदान दे दो, जीवन में जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए मैं कभी सत्य को ना छोड़ू, कभी धर्म को ना छोड़ू, क्योंकि धर्मराज के अवतार भी युधिष्ठिर हैं। कभी मैं धर्म को ना त्यागूं और कभी सत्य से ना हटूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। कन्हैया ने कहा तथास्तु, ऐसा ही है। अब कर्म से अगर चला जाए युधिष्ठिर के बाद भीमसेन से पूछा गया, बोले भीमसेन मांगो क्या मांगते हो? बोले कन्हैया मैं बड़ा बदनाम होना, मुझे सब कहते हैं कि बड़ा खाता है, परंतु प्रभु यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते हंसते खाते पीते हर एक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारा नाम सुमिरन में करता रहूं। अब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा कि कन्हैया तुम तो मेरे गुरु हो और ये गुरु का विचार कभी मन से ना जाए, क्योंकि अर्जुन जी कन्हैया को गुरु मानते थे। इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को कन्हैया ने दिया था। अब इस तरह से क्रम से जब आगे अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी, सुभद्रा से भी कहा गया, सुभद्रा ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। और द्रौपदी का जब नंबर आया, द्रौपदी से कहा गया कि द्रौपदी तुम कुछ मांगो। बोले कन्हैया मैं क्या मांगू, बिन मांगे तुमने सब कुछ दिया था। उस समय की मुझे याद है जब भरी सभा में मुझे निवस्त्र किया जा रहा था, तो मेरे अपने थे ना सब पीछे हट गए, कोई मेरे सामने नहीं आया, केवल कौन आया था, आप ही तो आए थे। यहां तक हुआ बड़े बड़े धनुर्धारी देखते रह गए। अब द्रौपदी ने बड़ी करुणा से उस समय पुकारा था, कन्हैया को किस तरह से पुकारा था जी, हे गिरधारी, हे गिरधारी सुन लो हमारी। क्या मांगना है कन्हैया से? द्रौपदी ने जिस तरह से मांगा है ना, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भजन इसलिए गाना पड़ता है क्योंकि कुछ एक माताएं हैं, सोने का भी बन जाता है जी। अब भागवत है औषधि और संगीत क्या है? शहद। अब सीधे सीधे कथा कहूंगा तो औषधि जो है ना आपको बड़ी कड़वी लगेगी, और संगीत के साथ अगर थोड़ा भजन हो जाएगा, परमात्मा का गुणगान भी हो जाएगा और आपकी नींद भी भाग जाएगी। परंतु ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हमारा शहद, आज तो शहद ज्यादा चटाया जा रहा है औषधि कम, परंतु हम प्रयास करेंगे बराबर मात्रा में। औषधि है भागवत और संगीत है शहद। तो सबने किस तरह से पुकारना है? जिस तरह से द्रौपदी ने पुकारा था, क्या पुकारा था? लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी सुन लो हमारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो।
वही कांटी बनारी
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो सीधे ही दौड़ पड़े। दुशासन साड़ी खींचता रहा, बल धरा का धरा रह गया। हजारों मीटर लंबी वो साड़ी, उस साड़ी को खींच खींच के थक गया, परंतु द्रौपदी को निवस्त्र ना कर पाया। तो हे कन्हैया, द्रौपदी कहने लगी कि उस समय की याद मुझे अभी भी बनी है, जब कोई नहीं आया तो आप आए थे प्रभु, आपकी कृपा है। उस समय केवल आप ही आए और कोई नहीं। और हे कन्हैया, मैं यही चाहती हूं कि मैं आपको अपना सखा मानती हूं, और सखा और सखी का ये भाव है प्रभु बना रहे। और द्रौपदी ने ये भाव जब मांग लिया, अब सबने कुछ ना कुछ मांगा। अब द्रौपदी की तरफ सब देखने लगे। कन्हैया कहने लगे कि बुआ, अब आप भी कुछ मांगो। बोले कन्हैया,
बिन मांगे ही तूने सब कुछ दे दिया है, मांगने की क्या आवश्यकता है। अब आप विचार कीजिए द्रौपदी कुंती मैया जिसके जीवन में कष्ट ही कष्ट। अब द्रौपदी के मांगने के बाद जब कुंती की बारी आई, आंखों में अश्रु धारा लिए कहने लगी कि हे कन्हैया तूने बिन मांगे ही सब कुछ दिया है, परंतु अब और क्या मांगना, कुछ नहीं चाहिए कन्हैया। अब ये भाव जब मन में आ गया, अब सूरसेन के यहाँ कुंती का जन्म हुआ था। अब आप विचार कीजिए सूरसेन की पुत्री थी कुंती और इनका वास्तविक नाम प्रिथा। अब ज्योतिषियों के बताने के ऊपर सूरसेन ने राजा कुंत भोज को कुंती को दे दिया था, और तब राजा कुंत भोज के यहाँ पलने के कारण उनका नाम पड़ा कुंती। अब जन्म कहाँ हुआ, पली बड़ी कहाँ। अब आप विचार कीजिए दूसरे के घर में बच्चा क्या सुखी हो सकता है, उतना सुख नहीं मिल पाता। जो अपने माता पिता है ना वो अपने ही होते हैं और दूसरे दूसरे ही होते हैं, और इस तरह से बचपन इसी बात में बीत गया और किशोर अवस्था में जब पार किया विवाह हो गया। विवाह भी कैसे व्यक्ति के साथ हुआ जो पीलिया ग्रस्त था पांडु। अब वैवाहिक जीवन भी ऐसे ही चला और सौत साथ में थी माद्री इनका नाम था। अब पांडु को ये अभिशाप था, ऋषियों का शाप था कि जब भी तू स्त्री संग करना चाहेगा तेरा विनाश हो जाएगा। उस समय भी क्या किया कुंती ने, दुर्वासा ऋषि से कुछ एक मंत्र प्राप्त किए थे। उन मंत्रों में क्या शक्ति थी, जिस भी देवता को बुलाती वो देवता आशीर्वाद देता, पुत्र के रूप में आशीर्वाद देता। अब इधर क्या किया, जब दुर्वासा ऋषि से वो मंत्र प्राप्त थे, अब सबसे पहले सूर्य का आवाहन किया और कौमार्य अवस्था में ही कुंती के कर्ण हो गए। सूर्य सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण हुए। बोले कर्ण महाराज की। अब जब वो तो कौमार्य अवस्था की बात थी, अब धर्मराज का आवाहन किया। जब वैवाहिक अवस्था में आ गई थी, धर्मराज से वरदान प्राप्त किया, धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र का मंत्र पढ़ा तो इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, और वायु देवता का आवाहन किया, वायु देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया तो भीमसेन हुए, और माद्री जो इनकी सौत थी उनको भी दो मंत्र दिए गए। कुंती ने दो मंत्र दिए थे अश्विनी कुमारों के, और नकुल और सहदेव हो गए। इस तरह से पांच पांडव कहलाए। अब कुंती को युवा अवस्था में सुख नहीं मिला और पति की भी असमय मृत्यु हो गई, तो विधवा होने का कितना बड़ा दुख था। अब जो विधवा होती है ना जी, ये दुख उनको ही पता है कि क्या होता है, ये दुख क्या होता है, ये दुख सहा नहीं जाता। विधवा का जीवन बहुत ही कठिनता से बीतता है। अब असमय पति की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, दुख ही दुख। अब नाना प्रकार के जो पारिवारिक सदस्य मिले उन्होंने भी क्या किया, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। 12 वर्ष का वनवास सहा, 1 वर्ष का अज्ञातवास तक सहा, और कन्हैया कहने लगी कि बुआ पूरा जीवन तो दुख में बीत गया, अब क्या चाहती हो, कुछ ना कुछ तो मांग लो। बोले हे कन्हैया क्या मांगू, सुख के माथे सील पड़े जो हरी हृदय से जाए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपा। क्या कहा, सुख के
सील पड़ जाए एक कन्हैया, उस सुख के ऊपर पत्थर पड़ जाए, जिस सुख के आने से क्या होता है, हरि हृदय से चले जाते हैं। परंतु जब दुख आता है, दुख आने से क्या होता है, परमात्मा की याद अवश्य ही आती है कि कन्हैया हे प्रभु अब आप ही सहारे हो, क्योंकि परमात्मा ने दो ये चीजें बनाई है, सुख और दुख, ये दो भाई हैं जी। अभी अगर आपका जीवन सुगमता से चल रहा हो तो ऐसा ना सोचे कि जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, ना जाने कब दुख आ जाए, क्योंकि दोनों भाई एक चक्र के समान है, पहले सुख आता है तो सुख के बाद तुरंत दुख और दुख के बाद फिर से सुख। तो ऐसा नहीं जो दुखी हैं मन में एक ही बात ठान ले कि ये समय भी बीत जाएगा, सुख हो या दुख हो, मन में क्या विचार आए कि ये समय बीत जाएगा, सुख सदा नहीं रहेगा और दुख भी सदा नहीं रहेगा। और भागवत महापुराण में कितना सुंदर वर्णन कुंती ने किया, कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति की। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते एक कन्हैया, विपत्ति तो तब आती है जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज भी रामचरितमानस में इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि विपत्ति क्या है जी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सो जब तब भजन ना सुमिरन होई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन ना सुमिरन होई। क्या कहा कि विपत्ति को हे हनुमान से कहने लगे कि कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। क्या कहा कि जब आपका सुमिरन नहीं होता, सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी कहते हैं वो है सबसे बड़ी विपत्ति जी। हम तो क्या कहते हैं महाराज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, परंतु जो कुंती ने मांगा ना वो कोई नहीं मांग सकता। क्या मांगा था जी कि प्रभु विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे, दुख ही दुख आए तो तुम्हारी याद बनी रहे, क्योंकि सुख में क्या होता है, सुख में बहुत कम याद आती है भगवान की। महाराज सब कुछ ठीक चला है, कुछ नहीं है महाराज, ये ग्रह नक्षत्र ये पंडित इत्यादि कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, मेडिकल साइंस चला है आजकल, बहुत साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, परंतु क्या होता है जब चारों तरफ से हाथ खड़े हो जाते हैं तब याद किसकी आती है, भगवान की। महामृत्युंजय हे रुद्र देवता, महामृत्युंजय रुद्र देवता, त्राही माम शरणागतम, प्रभु अब त्राही त्राही है, हर हर महादेव, काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र हर हर महादेव। क्या है अब प्रभु आपका ही सहारा है, आप ही बचाने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर भाग्य में अगर संतान सुख ना हो तो भोलेनाथ कृपा करते हैं, और किसी के भाग्य में आयु ना हो तो आयु देने वाले भी कौन हैं जी, बाबा भोलेनाथ ही हैं, क्योंकि मृकंडू ऋषि हुए, मृकंडू मृकंडू ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय,
और मार्कंडेय को ये अल्पायु का योग था कि वो अल्पायु छोटी सी आयु में ही उन्होंने मर जाना था, परंतु क्या किया बाबा भोलेनाथ की भक्ति इस तरह से की, क्या किया भोलेनाथ की पिंडी को ही पकड़ लिया। आपने चित्र भी देखा होगा फोटो, जिसमें एक नन्हा सा बालक भोलेनाथ के शिवलिंग को पकड़े है, वो है मार्कंडेय जी। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से अल्पायु का वरदान जो अभिशाप था वो वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया भोले बाबा ने, क्या किया चिरंजीवी बना दिया, अष्ट चिरंजीवियों में स्थान हो गया, सात पहले चिरंजीवी थे, आठवें हो गए मार्कंडेय ऋषि की। अब अश्वत्थामा को भी चिरंजीवी कहा जाता है, परंतु अश्वत्थामा को ये वरदान नहीं अभिशाप है, किसका अपने पिता का, कि जाओ तुम्हें श्राप देता हूं तुम भटकते ही रहोगे, हे अश्वत्थामा तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी तुम भटकते ही रहोगे। तो अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं, आपने चैनल के माध्यम से भी सुना होगा पीछे पीछे एक न्यूज चली थी कि अश्वत्थामा के पद चिन्ह मिले, तो हनुमान जी ये प्रत्यक्ष है, अश्वत्थामा भी आज भी है। और हनुमान जी का तो क्या कहना, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या कहा, चारों युग में हनुमान जी हैं और अभी भी हैं। मैंने पिछले कल भी कहा था जहां भी हरि की कथा होती है हनुमान जी आते ही हैं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनि वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इस तरह से जब हनुमान जी ने भी कह डाला कि विपत्ति कब आती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, कभी भी उस परम पिता परमेश्वर को ना भूलें, भगवान की याद हमेशा करते रहें, हो सके तो उठते बैठते तो संभव नहीं है क्योंकि हमारा मन कहीं और ही लगा है, परंतु मैंने कहा कि तीन बार भोजन और भजन एक बार होना ही चाहिए। एक नियम बना ले कि एक बार तो भगवान को अवश्य ही याद करें, सुबह ना हो सके तो शाम को, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है इतना सुंदर शरीर मिला है और हम मनुष्य योनि में आए हैं, प्रभु आपका गुणगान हम करते ही रहे, तो सुख और दुख दो भाई हैं, जो सुखी है वो ये ना सोचे कि ऐसा ही रहेगा, दुख अवश्य ही आएगा। कितना सुंदर एक भाव, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, इसने बस में कुछ भी नहीं है मेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर
ये तो प्रभु की कारागरी, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सबसे बड़ी विपत्ति है आपको भूल जाना, तो हमारे पास थोड़ा सा अगर धन हो जाए, सब कुछ ठीक चल पड़े, तो हम भी क्या करते हैं, अहंकार आ ही जाता है। दो ऐसी रस्सियां हैं जो मनुष्य को बांध करके रखती है, नहीं तो परमात्मा मिल जाने थे। दो कौन कौन सी रस्सियां हैं जी? एक अहमता अहंकार और दूसरी ममता। अरे ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, परंतु कोई किसी का हुआ ही नहीं। ये हुआ जी आज तक? सारे रिश्ते कैसे हैं? स्वार्थी,
सब अपने स्वार्थ को ही रोते हैं, परंतु संसार में क्या है, एक माँ की ममता ही ऐसी है जो निस्वार्थी है। माँ अपने बच्चे को पालती है बिना स्वार्थ के। इसलिए पालती है जी कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान रखेगा। बिल्कुल निस्वार्थ है माँ की ममता। तो जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि अहंकार से परमात्मा दूर रहते हैं। अगर थोड़ा सा पद का मान आ गया तो अहंकार आ ही जाता है। महाराज हम तो बहुत बड़े हैं, परंतु हमें क्या चाहिए, एक बात है, लघु को मिले प्रभु, प्रभुता से प्रभु दूर। जो छोटा बन करके रहता है उसे परमात्मा मिल जाया करते हैं, परमात्मा की कृपा होती है। लघु को मिले प्रभु, प्रभुता से प्रभु दूर। जो अहंकार करता है उसे कभी परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि कहते भी है ना जी, लघु को मिले प्रभु, और जिसने खाई अकड़ उसका बन गया जी क्या बन गया, मानने के बाद अकड़। अकड़ जो अकड़ करता है ना जी। अब यहां तक होता है, एक बार सागर ने नदी से पूछ लिया। किसने, सागर ने नदी से पूछ लिया, बोले अरे नदी और तो सब कुछ ठीक है ना, तू बड़े बड़े पेड़ लेके आती है सागर में, सागर में बड़े बड़े पत्थर ले आती है, बड़े बड़े पेड़ ले आती है, परंतु कभी ये जो हरी हरी दुर्गा है ना दुर्गा, ये तो तू कभी नहीं लाई। अब सागर से नदी ने कह दिया कि अरे सागर ऐसा है ना, अब जो झुकता नहीं उसे मैं उठा करके ले जाती हूँ, परंतु जो हरी हरी दुर्वा है ना घास है वो झुक जाती है, तो झुक जाती है वो मेरी पहुंच से दूर है, उसे मैं ला ही नहीं सकती। तो हमें क्या चाहिए, अपने आप को जितना हो सके छोटे से छोटा माने, क्योंकि लघु को ही मिल सकते हैं प्रभु। बाकी अहंकार जिनमें होगा परमात्मा सौ कोस दूर रहेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए, ऐसा नहीं हम प्रवचन कर रहे हैं महाराज हम अहंकार कर, अहंकार किस बात का करना, न जाने जीवन है कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा है क्या, टाइम लेकर के तो हम आए नहीं कि इतने टाइम जीना है, कोई भरोसा नहीं है, आज है थोड़ी देर के बाद रहे ना रहे, तो क्या चाहिए, जो जीवन हमें मिला है जितनी घड़ियां मिली हैं परमात्मा का गुणगान करते हुए हमें वो घड़ियां व्यतीत करनी है। एक बात और पूछना चाहूंगा जी, कथा समझ भी आ रही है आपको कि सिर से ऊपर जा रही है, आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ, समझ आनी चाहिए, नहीं तो कोशिश तो मैं साधारण भाषा का प्रयोग करके कर रहा हूँ कि साधारण शब्दों में। अच्छा नींद तो नहीं लगी है जी किसी की, नींद के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि नींद ना लगे, मुझे वृंदावन बांध के भी हरिलाल, परंतु नींद का ऐसा है ना, भोले बाबा ने भी पार्वती मैया को कथा सुनाई थी तो क्या हुआ था, माता रानी को नींद आ गई थी, वो तो माता रानी थी। अब आप कहेंगे हम तो साधारण स्त्रियां हैं, हमें तो सौभाग्य है, परंतु मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ आए हैं जो आनंद कथा में सोने का आएगा ना वो घर में नहीं मिलेगा, इसलिए कोई बात नहीं, सोना है आराम से सोइए, जगाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन गप्पे मार रहा है। गप्पे मारने के लिए तो ऐसा है ना जी, मैंने पहले कहा कि जो भी यहाँ आकर के ये पूछेगा बोबो मुझे तो लेट होगी कि बड़ी भारी टाइम लाया था, ये कथा बाच का 12 बजे अभी ठीक है, तो ऐसा है। अब थोड़े हो गए ना इकट्ठे, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, कथा का समय है 12 बजे से, जो नजदीक है वो तो ठीक 11:50 पर आ ही जाना है, नहीं तो कल जब आप आएंगे कथा तभी शुरू होगी, चाहे 1 घंटे की ही होगी, ठीक है जी, क्योंकि श्रोता नहीं होंगे तो कथा किसे सुनानी है, वैसे श्रोता बड़े हैं और वक्ता छोटा है जी, श्रोता ही वक्ता का बल है, क्योंकि वक्ता तो मुंह से बोलेगा परंतु सुनने वाला कोई ना हो, अगर आप नहीं भी आएंगे तो हम क्या है, हमने कंकन बंधन करवाया है यजमान जी के लिए, जो अर्घे में चल गया था उन्होंने हमारे हाथ में दिया कि पंडित जी हमारे पितरों के उद्धार के लिए 18,000 श्लोकों का पाठ करना, वो पाठ हम सुबह 5:30-6 बजे यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, हमारे सहयोगी आचार्य श्री अभी भी कर रहे हैं,
ये भी बहुत बड़े कथावक्ता हैं जी, और हमारा प्रेम इनसे है कि हमारे साथ रहते हैं, ये भी कथावाचक हैं जी, और यही अपने गागल भूमि से हैं, हमारा भी सौभाग्य है गागल से जी, गागल भूमि पड़ता है वहां से है, और आश्रम के संत कुछ बहुत बड़े संत हैं वहां पे, ये उन्हीं के सानिध्य में पले बड़े हैं, तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे व्यास जी साथ में हैं, वो वाचक के रूप में हमारा सहयोग दे रहे हैं, कभी हम इनका सहयोग देते हैं, कभी ये हमारा सहयोग देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो कथा सुनाता है ना वो पहले कथा सुनना भी सीखे, ऐसा नहीं कि अब कथा वक्ता क्या करते हैं, महाराज हम एक बार ऊपर बैठ गए ना, हमने कथा सुनानी ही है, अगर मन में ये भावना आ गई कि हमने सुनानी ही है, सुननी नहीं, तो क्या होगा। नारद जी तो बहुत बड़े कथावक्ता थे, फिर भी सनत कुमारों से उन्होंने कथा सुनी, हनुमान जी तो बहुत बड़े कथावक्ता हैं, और हम जैसे छोटे मोटे कथावक्ताओं की कथा में भी वो अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। अब हमारे बीच में मैं ज्यादा रात बोलूंगा नहीं, जो पानी का थोड़ा सिस्टम है ना जी, कल से एक व्यवस्था बनाना, जब भी कोई भजन इत्यादि आए तभी पानी लाया जाए, तो क्या होता है अगर बीच में घूमेंगे तो थोड़ा हमारा भी ध्यान चला जाता है पानी की तरफ, नहीं तो हम तो बोल रहे हैं, तो भजन बीच में हो तब ही पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि आपने आगे कथा में सुनेंगे राजा परीक्षित को सांप क्यों लगा था जी, पानी के चक्कर में प्यास लगी थी ना, तभी उसी चक्कर में सांप लग गया था, तो जब भी ये आग्रह करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि क्रोध से बोल रहा हूँ, आइए पिलाइए, स्वागत है सबका, बीच में जो भी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चल के भी आए होंगे, प्यास भी लगी होगी, परंतु एक आग्रह कि जब भजन चला हो ना तो अवश्य पानी लेकर आए, क्योंकि पानी सबको पीना जरूरी है, ऐसा नहीं कलयुगी मनुष्य है, पानी भी बहुत जरूरी है, परंतु भजन जब चले तब ही आए, तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति तभी कहते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अब इस तरह से कुंती ने क्या मांगा जी, दुख, क्या हम और आप मांग सकते हैं, कभी नहीं मांगेंगे, मैंने पहले ही कहा कि धूप जला करके कहेंगे महाराज भगवान ऐसा कर देना, बड़ा भारी दुख है, बहुत दुख है, बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता, अब तो तेरा ही सहारा है प्रभु, कोई नहीं सुनने वाला, तो हमें क्या चाहिए, निष्काम भाव से परमात्मा की हमें स्तुति करनी चाहिए, और अब इस तरह से कुंती ने जो मांगा, प्रभु ने कहा कि तुम्हारी मर्जी बुआ, अब परमात्मा शिवांगी बिहारी के मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपनी द्वारिका में जाऊं, परंतु जाते जाते पांडवों को थोड़ा सा उपदेश तो दे डालो, उपदेश किसके माध्यम से दिलवाया, भीष्म, पितामह भीष्म के पास लेकर के गए, जिन्हों बिल्कुल सरसैया के ऊपर इतने अर्जुन ने बाण मारे थे, इतने बाण मारे थे कि पितामह भीष्म सरसैया के ऊपर पड़े पड़े परमात्मा को याद कर रहे थे कि कब उत्तरायण आए और कब मैं उत्तरायण में प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि हमारे दो अयन हैं जी, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन है, उत्तरायण है देवताओं का दिन और दक्षिणायन है देवताओं की रात्रि, तो कहा जाता है कि उत्तरायण में जो प्राण छोड़ता है उसे अवश्य ही सदगति मिलती है, इसलिए उत्तरायण में विष्णु पितामह सरसैया के ऊपर पड़े पड़े की उत्तरायण का इंतजार करना है, और इंतजार किसका करना है, परमपिता परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान, पांचों पांडवों और द्रौपदी के सहित पहुंचे और पहुंच करके विष्णु पितामह को प्रणाम किया, अब बारंबार जब प्रणाम किया अब कहा कि हे विष्णु पितामह आपको कोटि कोटि वंदन है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, अब भीष्म कहने लगे कि अरे मैं बड़ा धन्य अपने को मान रहा हूं, हे कन्हैया अंतकाल में आपके दर्शन मुझे हुए, क्योंकि प्रार्थना क्या है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री
सरसैया के ऊपर पड़ा हूँ और आप मेरे सामने हैं। कन्हैया कहने लगे कि हे पितामह, आप क्या करें, इन पांडवों को थोड़ी शिक्षा दें, थोड़ा ज्ञान दें। बोले प्रभु, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, जब आप जैसे जगत गुरु साथ में हैं तो मैं क्या ज्ञान दूं। तो भीष्म पितामह ज्ञान देने लगे, फिर भी कन्हैया ने कहा कि आप अपने जीवन का अनुभव इन्हें बताइए, हमें क्या चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए कि नहीं जी। अपना अपना फोन निकाल करके फेसबुक इत्यादि चलाते हुए बैठते हो, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, परिवार में अगर पांच बैठे होंगे, पांचों के पास फोन होगा जी, और क्या होगा, फोन चला रहे होंगे, बात कोई एक दूसरे से करेगा ही नहीं, करते हैं बात। आजकल बड़े बुजुर्गों के पास बैठता है कोई, बड़े बुजुर्ग बेचारे बात करने के लिए उत्साहित रहते हैं कि कोई तो आए मेरे परिवार में जो मुझसे बात करे, परंतु होता क्या है, वो महाराज खपरा बड़ा खतरनाक है, क्या करने इससे बात है, कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, कोई नहीं आता। पहले का समय ऐसा था, बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे, अपना तो भूखा लगा हुआ है, सब बैठे थे, अपने दादा परदादा के पास बैठ करके कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, पिता के पास बैठ करके ज्ञान मिलता है, परंतु आजकल कोई नहीं बैठेगा। तो भगवान बांके बिहारी ने बात सिद्ध कर दी कि हे भीष्म पितामह, अपने जीवन का अनुभव इन पांडवों को ज्ञान में दीजिए। तो क्या कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष धर्मान विभाग सह। क्या कहा सबसे पहला उपदेश, कि हे पांडवों, अब तुम भारतवर्ष के राजा बन चुके हो, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम एक उपदेश मेरा सुन लो। क्या उपदेश है, कि अपने हाथों से जितना हो सके दान करना, दान करना कभी मत भूल। करते हैं जी आप लोग भी दान, करते हैं पंडित जी, करते हैं दान तो, परंतु बताते बहुत हैं। वो महाराज बंगा में गए थे ना, वहां वो मिल गए भिखारी, हमने इतने दस दस दे दिए उनको, चलो कोई बात नहीं। वहां गए, वहां भी वो पांडे थे ना, उनको भी दे दिया। गए थे तीर्थ यात्रा में, कमाना तो था पुण्य, परंतु कमा लिया जो पुण्य था वो शून्य कर दिया। शून्य कैसे कर दिया, आकर के
पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। हम तीर्थ यात्रा में गए थे, हमने खूब हाथों से दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। दान करने के बाद बखान हो गया तो समझो दान शून्य हो गया, और पाप करने के बाद अगर पाप का बखान कर दिया तो पाप खत्म हो जाया करता है। परंतु हम क्या करते हैं, पाप को छुपाते हैं और पुण्य को दिखाते हैं। इतना दिखाते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि पुण्य को जीरो करके ही छोड़ते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं, धर्मेण उपार्जितम् विद्वान् दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च एष प्रीत्यर्थ हे कवि। कि धर्म की कमाई का दसवां हिस्सा दान में लगा देना चाहिए। मान लीजिए आप दिन में 100 कमा रहे हैं तो 10 रुपए किसके हैं जी, भगवान के। दसवां हिस्सा दान में कर देना चाहिए। दान करने से क्या होता है, हमारे धन की शुद्धि हो जाया करती है। परंतु मान लीजिए बैंकों में हमने धन रखा है, उस धन की जिस तरह से कुएं में पड़ा हुआ पानी, अगर आप पानी नहीं निकालेंगे, कुएं को साफ ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी सड़ जाएगा। उसी तरह से बैंकों में रखा हुआ धन, उसमें विकृति आती ही है। अगर दान नहीं करेंगे तो क्या होगा, धन में विकृति आएगी। कमाया किसके लिए था, बेटे के लिए। अब बेटे के लिए तो कमाया, परंतु बेटा बुरी संगत में पड़ गया, सूटा और चिट्टा जब चल पड़ा, यहां तक हो गया घर के बर्तन भी बिक गए। किस लिए, सूटे और चिट्टे के लिए। क्या हुआ, वो सारा धन कहां गया जी, सारी कमाई व्यर्थ में जा रही है। तो दसवां हिस्सा सबको दान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। दसवां हिस्सा अगर दान नहीं करेंगे तो अवश्य ही धन में विकृति आएगी, और क्या होगा, धन या तो बीमारियों में लगेगा या तो अन्य जगह बुरी जगह लग जाया करेगा। परंतु हम दान करेंगे, 100 का अरे बहुत दे दिया, दान दे दिया बहुत बड़ा। पंडित जी भी आएंगे, उनको भी क्या करेंगे, महाराज दान तो देंगे ना, हम तो 100 बार सोच के। एक होता है दान, एक होती है दक्षिणा। एक है दान और एक है दक्षिणा। दान होता है श्रद्धा का, और दक्षिणा क्या होती है, फीस। दक्षिणा जो होती है, दक्षिणा से इतनी दक्षिणा देनी चाहिए जिससे अपने मन को थोड़ी ये तसल्ली हो जाए कि मैंने अपने मन से ठीक दिया। उससे क्या होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या कहा कि हे पांडवों, दान करना कभी मत छोड़ना। क्या कहा, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धि कब माने, जब हम इस तन से सेवा करते हैं। सेवा का भाव होगा तो तन शुद्ध होगा। लाइट हुआ है, डिटॉल इत्यादि से नहाने से तन की शुद्धि नहीं होगी, पियर से नहाने से भी नहीं होगी। किससे होगी जी तन की शुद्धि, सेवा करने से। मान लीजिए आप कथा में आए हैं, अपने से जितना हो सके सहयोग करना चाहिए, और मंदिर में गए हैं तो वहां भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि श्रम का सहयोग। धन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। क्या करना, मंदिर में जाना, दान देना, और क्या बोलना, हमने 100 रुपए दिया है ना, कमेटी वालों का ही शराब तो नहीं पियेंगे इसकी, बताना हमारा 100 रुपए कहां लगा। तो उससे क्या होगा, जो दान किया वो गया। आपने दान दे दिया, एक हाथ से दान करें दूसरे को पता भी ना लगे, इस तरह का दान करना चाहिए। तो मन पवित्र हरि भजन से, मन की पवित्रता हरि भजन से है भूत त्रिविध कल्याण, तीन प्रकार का कल्याण तभी होगा। तो ये जब ज्ञान दे दिया, ये बड़ा सुंदर ज्ञान, विष्णु पितामह ज्ञान लगे कि हे पांडवों आप क्या करो, खूब दान करना। अब जब ये बात सुनने में आई, पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी थी,
और द्रौपदी हंसने लगी कि बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हे पितामह, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था? बोले वो उसका दुर्योधन का नमक मेरी रगों में बह रहा था। हे द्रौपदी, एक एक बूंद तेरे पति ने इतने बाण मारे हैं ना, एक एक बूंद बह गई है, नमक का कर्जा चुक गया है, अब मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से भीष्म पितामह और द्रौपदी का संवाद हुआ और भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति प्रभु की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतम प्रकृति मुपयेष्वी युषि यदभव प्रवाह। क्या कहा कि मेरी जो पुत्री बुद्धि है, हे प्रभु, मैं आपको देता हूँ। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, हे प्रभु, ये बुद्धि आपको दे देता हूँ। अब मेरी सारी तृष्णाओं का दमन हो चुका है। और इस तरह से बात करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कह करके? कृष्ण 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 कहकर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। और पांडवों ने बड़ा रुदन किया कि हमारे पितामह हमें छोड़ करके चले गए, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस तरह से आगे चल करके सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चर चले गए, परंतु पीछे जिस बालक ने गर्भ में ही प्रभु के दर्शन कर लिए थे, उत्तरा के गर्भ में वो शिशु, उसके जन्म का समय आया और जैसे ही जन्म हुआ वो पालती लगा करके बैठ गया। सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे कि प्रभु ऐसा कैसे संभव है, और जैसे ही जन्म लिया इधर उधर देखने लगा। इस कारण से किसे ढूंढ रहा था कि वो मोर मुकुट वाला वो मेरा परमात्मा कहाँ है? इतनी भारी सभा लगी है परंतु कन्हैया मुझे नहीं दिख रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए इधर उधर देखने के कारण नाम पड़ गया परीक्षित इति परीक्षित। और परीक्षित जब नाम पड़ गया, अब आंखों में आंसू लिए यही सोच रहे थे परीक्षित जी की कहाँ है मेरे कन्हैया। और भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा कि सुभद्रा इधर यहाँ पौत्र हुआ है, तो भगवान आशीर्वाद देने के लिए आए और परीक्षित जी बारंबार प्रणाम करने लगे। और सूत जी कहने लगे कि इतना लाडला भक्त परमात्मा का, भगवान ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र एक ऐसा बालक जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए, आज तक किसी ने नहीं किए, केवल परीक्षित ने ही गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे। अब इस तरह से सारी जब व्यवस्था हुई, खूब आनंद उत्सव मनाया गया, परीक्षित का जन्म उत्सव मनाया गया। अब श्री कृष्ण ये कहकर के चले गए कि अरे अब तुम राजपाट संभालो, मैं द्वारिका जा रहा हूँ और आने वाला समय ऐसा होगा मैं अपनी लीलाओं को संपन्न करके स्वधाम के लिए भी जाऊंगा। अब अर्जुन चल पड़े छोड़ने का नहीं आगे। अब देखते ही देखते क्या हुआ, प्रभु स्वधाम के लिए जब गए ना सशरीर, उस समय अर्जुन की जो बल था ना, गांडीव का सारा बल जाता रहा और अर्जुन भीलों के द्वारा हारे गए, हरा दिया भीलों ने। एकमात्र ऐसा धनुर्धारी जिसे कोई नहीं हरा सकता था, उसे किसने हरा दिया? भीलों ने। अब ये सारी जब कथा हुई, अर्जुन वापिस जब पहुंचे, देखा कि अरे सभी पांडव खड़े थे। अर्जुन आंखों में अश्रु धारा लिए कहने लगे कि हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके स्वधाम के लिए चले गए हैं। बोले बहुत रुदन हुआ, सब कहने लगे कि अब हमें भी स्वर्गारोहण के लिए जाना चाहिए। तो पांडवों का स्वर्गारोहण। अब महाराज परीक्षित जो युवराज थे उन्हें राजगद्दी दी गई और आसन के ऊपर बिठा दिया। पिता
और परदादाओं ने दादाओं ने समझा दिया, क्या आदेश दिया कि हे पुत्र कभी भी जो शरण में आए उसे माफ कर देना, उसे कभी नहीं मारना। राजधर्म को समझाया और इस तरह से पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। और धीरे धीरे चलते चलते पहले द्रौपदी का पतन हुआ, नकुल सहदेव का पतन हुआ, अर्जुन का पतन हुआ, सशरीर केवल युधिष्ठिर जी ही पहुंचे थे। और यहाँ तक हुआ था यमराज जी कुत्ते का रूप धारण करके भी आए थे। आप सब लोगों ने कथा सुनी है, संक्षिप्त में मैं सुना रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा थोड़ी ज्यादा हो रही है, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि कई दूर से भी आए होते हैं, जो समय सीमा बांधी है 12 से 3, कोशिश ये करता हूँ कि 3 बजे तक कथा विराम हो जाए। तो क्या हुआ, एकमात्र युधिष्ठिर ही सशरीर पहुंचे थे और यमराज कुत्ते के रूप में गए थे, तो कुत्ते को स्वर्ग में आने नहीं दिया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता पालना तभी वर्जित किया गया है, महाभारत में कथा आती है, कुत्ता पालना भी वर्जित तभी किया गया। कुत्ते को रोटी तो दे दो परंतु घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो सशरीर केवल युधिष्ठिर ही पहुंचे। इस तरह से राजपाठ हो गया महाराज परीक्षित का। और चलते चलते महाराज परीक्षित जब बढ़ने लगे, विवाह अवस्था में पहुंचे और महाराज परीक्षित का विवाह हो गया, उनकी पत्नी का नाम था इरावती। अब समय अनुसार समय बढ़ता गया, 4 पुत्र भी हो गए और बड़ा पुत्र हुआ जन्मेजय। तो ये कथा प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को इन्हीं शब्दों के साथ विराम करते हैं। जो भी जिन जिन कामनाओं को लेकर भगवान बांके बिहारी की कथा श्रवण के लिए आए हैं, बांके बिहारी से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख्य यजमान जी के जो पितर हैं उनको वैकुंठ गति प्राप्त हो, क्योंकि मातृ ऋण और पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। परंतु फिर भी मैंने पहले कहा कि पुत्र का जो कर्तव्य है हमारे मुख्य यजमान निभा रहे हैं, इनके पितरों को परमात्मा सदगति प्रदान करें, सभी यही प्रार्थना करें। मेरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है, मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है, मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है। बांके बिहारी लाल की। तो सबने कल क्या करना है जी, जल्दी आने का प्रयास करना, आग्रह कर रहा हूँ आपसे कृपया जल्दी आने का ही प्रयास करना, क्योंकि कथा का प्रसंग जब चल पड़ता है तो फिर रुकने का नाम नहीं होता है, आगे को बढ़ते हैं। जो आधी अधूरी कथा आपने सुने भी ना, सुनना अच्छी बात है, चाहे 2 शब्द ही कान में पड़ गए परंतु फिर भी प्रयास करिए जल्दी आने का। और सायंकालीन हमारी आरती का समय रहता है 8 बजे से संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, तो 7:30 बजे पिछले कल कर दी थी क्योंकि सायंकालीन आरती उस समय सायंकालीन बेला होती है, तो सायंकालीन आरती 7:30 बजे से संकीर्तन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो सभी अब अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर के भगवान की आरती करें बड़े भक्ति भाव के साथ। हरी ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।